ಚಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನನ್ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕೆ ದಿನ हम अपने सभी आचार्यगण और इनके साथ भैया बहनों को भी हार्दिक बधाई देता हूँ. इसके साथ ही आगे आने वाले कालखंड में रक्षाबंधन, विजयादशमी आने वाला समय है जो इस सत्र के लिए मूल समय होता है. इसमें भैया बहनों का सही विकास हो, इसलिए आचार्यों से आग्रह भी करता हूँ कि वो इस बीच में विशेष परिश्रम से अपने भैया बहनों को समय दें ताकि उनका परिणाम अच्छा आ सके. इस वर्ष का जो परिणाम सीबीएसई बोर्ड के द्वारा अपने विद्यालय के भैया बहनों को मैट्रिक में आया है निश्चित से सराहनीय है. इस बार की परीक्षा वास्तव में बदली हुई परिस्थिति में हुई है. इससे पहले की परीक्षा और आज की परीक्षा में अंतर आया है और इसके बावजूद भी अच्छा अंक लेकर के बच्चा पास किया है. और बहन मेघा प्रिया तो इस जिला में सबसे उत्तम छात्र आई है, इसलिए उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई. और आगे आने वाले कालखंड में द्वादश यानी प्लस टू और मैट्रिक दोनों में बढ़िया से बढ़िया. सीतामढ़ी जिले का गौरव ROH पब्लिक स्कूल प्रकृति की सुरम्य गोद में अवस्थित रीगा रोड खैरवार सीतामढ़ी. एडमिशन इज गोइंग ऑन 9th एंड 10th सेशन 2018 एंड 2020. सीतामढ़ी एकेडमिक ब्लॉक अमघट्टा सीतामढ़ी राजपट्टी सीतामढ़ी. कॉन्टैक्ट 7320921479 9546791556. 1994 से लगातार 30 वर्षों से शिक्षा क्षेत्र में अमूल्य और अतुलनीय योगदान देते हुए आगे बढ़ रहे हैं. हेलेंस स्कूल सीतामढ़ी. हेलेंस स्कूल सीतामढ़ी एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली अप टू प्लस टू लेवल. 7 एकड़ में फैला अत्याधुनिक शिक्षा मंदिर. हमारी सुविधाएं एवं विशेषताएं योग्य एवं अनुभवी प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा पठन पाठन की समुचित व्यवस्था. डिजिटल क्लासरूम एंड वाईफाई कैंपस. मॉडर्न पुस्तकालय एंड कंप्यूटर लैब. अत्याधुनिक प्रयोगशाला एवं सभागार. CCTV कैमरा. स्काउट एंड गाइड के प्रशिक्षण की सुविधा. संतुलित आहार की समुचित व्यवस्था. संगीत शिक्षण की सुविधा. योग मेडिटेशन एवं शारीरिक व्यायाम की सुविधा. 24 आवर्स पावर बैंक. हमारी उपलब्धियाँ. ऑल इंडिया इंटर स्कूल क्रिकेट चैंपियन. डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट चैंपियन. महामहिम राष्ट्रपति द्वारा गाइड में पुरस्कार. IIT एवं मेडिकल जैसे शिक्षण संस्थानों में प्रतिवर्ष चयन. साथ ही नेपाल के छात्रों के लिए विशेष हॉस्टल की सुविधा दी गई है. अपने ही घर जैसा माहौल में सुविधा सम्पन्न हॉस्टल की व्यवस्था. है जल्दी ही संपर्क करें. हेलेंस स्कूल सीतामढ़ी एकेडमिक ब्लॉक अमघट्टा सीतामढ़ी राजपट्टी सीतामढ़ी. कॉन्टैक्ट 7320921479 9546791556. 1994 से लगातार 30 वर्षों से शिक्षा क्षेत्र में अमूल्य और अतुलनीय योगदान देते हुए आगे बढ़ रहे हैं. हेलेंस स्कूल सीतामढ़ी. हेलेंस स्कूल सीतामढ़ी एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली अप टू प्लस टू लेवल. 7 एकड़ में फैला अत्याधुनिक शिक्षा मंदिर. हमारी सुविधाएं एवं विशेषताएं योग्य एवं अनुभवी प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा पठन पाठन की समुचित व्यवस्था. डिजिटल क्लासरूम एंड वाईफाई कैंपस. मॉडर्न पुस्तकालय एंड कंप्यूटर लैब. अत्याधुनिक प्रयोगशाला एवं सभागार. CCTV कैमरा. स्काउट एंड गाइड के प्रशिक्षण की सुविधा. संतुलित आहार की समुचित व्यवस्था. संगीत शिक्षण की सुविधा. योग मेडिटेशन एवं शारीरिक व्यायाम की सुविधा. 24 आवर्स पावर बैंक. हमारी उपलब्धियाँ.
ऑल इंडिया इंटर स्कूल क्रिकेट चैंपियन, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट चैंपियन, महामहिम राष्ट्रपति द्वारा गाइड में पुरस्कार, आईआईटी एवं मेडिकल जैसे शिक्षण संस्थानों में प्रतिवर्ष चयन। साथ ही नेपाल के छात्रों के लिए विशेष हॉस्टल की सुविधा दी गई है। अपने ही घर जैसा माहौल में सुविधा संपन्न हॉस्टल की व्यवस्था है। जल्दी ही संपर्क करें। हेलेंस स्कूल सीतामढ़ी, एकेडमिक ब्लॉक अंगट्टा सीतामढ़ी, राजोपट्टी सीतामढ़ी। कॉन्टैक्ट 7320921479543719556। आरंभ 1994 से लगातार 30 वर्षों से शिक्षा क्षेत्र में अमूल्य और अतुलनीय योगदान देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हेलेंस स्कूल सीतामढ़ी, हेलेंस स्कूल सीतामढ़ी, एफिलिएटेड CBSE, न्यू दिल्ली अप टू प्लस टू लेवल। 7 एकड़ में फैला अत्याधुनिक शिक्षा मंदिर। हमारी सुविधाएं एवं विशेषताएं, योग्य एवं अनुभवी प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा पठन पाठन की समुचित व्यवस्था, डिजिटल क्लासरूम एंड वाईफाई कैंपस, मॉडर्न पुस्तकालय एंड कंप्यूटर लैब, अत्याधुनिक प्रयोगशाला एवं सभागार, CCTV कैमरा, स्काउट एंड गाइड के प्रशिक्षण की सुविधा, संतुलित आहार की समुचित व्यवस्था, संगीत शिक्षण की सुविधा, योग मेडिटेशन एवं शारीरिक व्यायाम की सुविधा, 24 आवर्स पावर बैंक। हमारी उपलब्धियाँ ये सद्भावना टीवी चैनल है। हम आज विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को दिखाएंगे और साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं समरसता रैली का आयोजन डॉक्टर संजय कुमार के द्वारा बनाया गया है। आइए हम देखते हैं इस कार्यक्रम को। सद्भावना टीवी चैनल में आपका स्वागत है सर। सर ये बताया जाए कि आज सीतामढ़ी सेकुलर सोसाइटी का जो आपने गठन किया, इसके पीछे आपका मंशा क्या था और आपने क्यों इसको गठन किया सर? मैंने सोचा कि समाज में कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो कहीं ना कहीं समाज को विभाजित करना चाहती हैं और इस देश को संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर चलने से रोक रही है। और मुझे लगा कि जो धर्मनिरपेक्ष सोच वाले लोग हैं वे कहीं अल्पसंख्यक तो नहीं हो गए, तो मैंने सोचा कि एक ऐसा संगठन का गठन किया जाए जिसमें सबका सोच एक हो, जो पार्टियों से ऊपर हो, जातियों से ऊपर हो और अपने धर्म से ऊपर हो, उनका एक संगठन बनाया जाए जिससे कि कम से कम हम लोग एक दूसरे के विचारों से, सम विचार वाले लोगों से परिचित तो हो जाए। सर ये 6 दिसंबर आज है और आज के दिन आपने जो ये रैली निकाला है, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? मुझे लगता है कि 6 दिसंबर 1992 की बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद समाज का एक वर्ग अपने को मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत कुंठित महसूस करने लगा था और वो अपने को कहीं समाज से और देश से अलग थलग महसूस करने लगा था। उसमें एक डर की भावना आ गई। तो मैंने सोचा कि अगर ये रैली निकाली जाएगी तो समाज के वे लोग अपने को समाज के मुख्य धारा से और देश के मुख्य धारा से जुड़ा हुआ समझेंगे और उनको लगेगा उनके दिल का डर जो है वो खत्म होगा और समाज में एक ऐसी चेतना जगेगी कि इस देश को हम लोग धर्मनिरपेक्षता के रास्ते से भटकाएं नहीं। आपका मांग क्या है सर इस रैली के माध्यम से? हमारा मांग कुछ नहीं है। और किससे? किसी से मांग नहीं है, मेरा मांग अपने से, खुद स्वयं से है। मैं अपने दिल से पूछना चाहता हूँ कि जो 6 दिसंबर 1992 की घटना हुई, क्या हम उसके लिए भागी नहीं है? क्या वह मस्जिद मेरा नहीं था? क्या वह मस्जिद केवल मुस्लिमों का था और मुस्लिम केवल विदेश के थे? वो मस्जिद भी मेरा था, छोड़ने वाले भी मेरे थे और दुर्भाग्य से वह घटना घट गई। इसलिए हम चाहते हैं कि जो घटना घटी उसके बाद हमारे जो दिलों में समुदाय, दोनों समुदायों को दिलों में जो भ्रांतियाँ आ गई हैं, जो कटुता आ गई हैं, जो वैमनस्यता आ गई हैं और जो विद्वेष आ गया है, उसको विद्वेष को निकाला जाए। और इसलिए यह जो मेरा
मेरा जो रैली है उस विद्वेष को निकालने के लिए आत्मशोधन यात्रा है, परगेट्री मार्च है कि हम अपने दिल के गंदगी को निकाल रहे हैं, हम दूसरे के दिल के गंदगी को नहीं निकाल रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में कौन कौन से लोग भाग लिए थे सर? आपने देखा होगा कि हमारे कार्यक्रम में विभिन्न तरह के लोग हैं जो मुंह पर पट्टी बांधे हुए अपने अपने धर्मों को मानने वाले लोग हैं। इसमें हिंदू भी हैं, शुद्ध हिंदू जो भगवाधारी हैं, शुद्ध मुस्लिम जो हरा पट्टी लगाए हुए हैं, बौद्ध हैं जो बैगनी पट्टी लगाए हुए हैं, और कुछ लोग उजला पट्टी लगाए हुए हैं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं। इसलिए इसमें हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, और दूसरी बात कि ये बुद्धिजीवियों का मार्ग था, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिजीवी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और वकील शामिल हुए और टीचर शामिल हुए। ये बुद्धिजीवियों का मार्ग था ये दिखाने के लिए कि ऐसी बात नहीं है कि देश की बागडोर केवल राजनीतिज्ञों के हाथ में ही रहनी चाहिए। देश को अगर राजनीतिज्ञ अगर गलत दिशा में ले जाएंगे तो बुद्धिजीवी रोड पर आएंगे और इस समाज को एक नया रास्ता दिखाएंगे। इसलिए ये बुद्धिजीवियों का मार्ग था समाज को एक रास्ता दिखाने के लिए कि वही रास्ता नहीं है जो केवल राजनीतिक दिखा रहे हैं। वही दीप प्रज्वलित करने का उद्देश्य क्या था? दीप से हमने अपने दिलों में जो अंधकार आ गई है 6 दिसंबर 1992 के बाद, उस अंधकार को प्रकाश में बदलने के लिए हमने दीप प्रज्वलित किया है। मैंने दूसरे के लिए नहीं, अपने दिल के अंधकार को समाप्त करने के लिए हमने ये दीप प्रज्वलित किया। सर, हम ऑफ रिकॉर्ड एक बात आपसे पूछना चाहते हैं। सर, ये बताया जाए कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए क्या? हम तो उसके लिए कोई ऑथराइज पर्सन नहीं है कि ये तो जब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट का हम लोग फैसला आने दें, और कोर्ट तो इस देश के हर कोने में, देश के हर कोने में कोर्ट का जो फैसला है वो लागू होना चाहिए। कोर्ट का फैसला से ऊपर कोई नहीं है, ना सरकारें हैं ना कोई सिटीजन है। इसलिए हम लोग कोर्ट के फैसला को चिरोधार्य मान और उसका इंतजार करें। आपके कार्यक्रम का अगला कोई विचार? कार्यक्रम का आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूँ। अभी तो मैंने गठन किया था इसका इसी 6 दिसंबर को प्रदर्शन करने के लिए, और मैंने 6 दिसंबर तक ही यह संगठन बनाया था। लेकिन मैं अब चाहता हूँ लोगों में मैंने उत्साह देखा कि मैं चाहता हूँ कि लोगों से मैं अब सलाह लूँ, और उनके सलाह पर क्या इसे संगठन को बंद कर दिया जाए कि इसको आगे बढ़ाया जाए, मैं इसके बारे में विचार करूंगा। आप और भी कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आपने जो पूछा कि मंदिर बनाने के बारे में पूछा, तो आप मंदिर चाहते हैं कि आप पत्थर के मंदिर और पत्थर की मूर्तियों के बारे में मुझसे पूछ रहे थे। मैं तो चाहता हूं कि देश इस देश नहीं, दुनिया के हर मुसलमानों के दिल में मैं एक राम मंदिर बनाना चाहता हूँ, और दुनिया के हर हिंदुओं के देश दिल में एक बाबरी मस्जिद बनाना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य यही है, आज के यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं देश नहीं, दुनिया के हर मुस्लिम के दिल में एक राम मंदिर बने, और दुनिया के हर हिंदू के दिल में एक बाबरी मस्जिद बने। धन्यवाद।
लेकिन सह संयोजक है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली सर? ये प्रेरणा आपका नाम अनवर, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, को कन्वेनर हूँ मैं प्रगति मार्च का, आत्मशोधन मार्च का। और मैं इस सोच से प्रभावित तब हुआ, इतफाक से मैं सबसे विजिट करने आया था, एक ऐसे सोच के धनी मैं उनको, एक्चुअली मैं 6 दिसंबर जो अभी हमने कल आज जो किया है मार्च, उसके बाद मैंने उस शख्स को एक टाइटल दिया, एक महान सोच के धनी, एक ग्रेट थिंकर डॉक्टर संजय बाबू, जिनकी सोच मुझे मतलब एक अंतर आत्मा तक, जिस बात को कहा जाए कि आप अंदर तक चले गए हैं, उस सोच से मैंने प्रभावित हुआ कि अरे इस देश में कुछ तबका है जो मंदिर के लिए लड़ रहा है, कुछ तबका है जो मस्जिद के लिए लड़ रहा है, और एक सोच ऐसा हमारे सामने लड़ नहीं रहा, लड़ाया जा रहा है, नहीं लड़ रहे, एक्चुअली वो लड़ ही रहे हैं जी, जी। लड़ाने वाले एक लोग हैं, लड़ने वाले सैकड़ों लोग हैं जी, जी। तो मैं उसको लड़ना ही कहूँगा जी सर। उन सब के बीच एक ऐसा सोच कि नहीं, जो घटना घटी आजाद भारत का एक ऐसा काला अध्याय, शायद हम लोग पिछली हिस्ट्री में नहीं पढ़े थे और आने वाली हिस्ट्री में हम नहीं पढ़ेंगे, ये एक ऐसा अध्याय था, काला दिन था वो 6 दिसंबर 1992, उस विध्वंस को लेके एक ऐसा सोच सामने आया कि नहीं, जो मंदिर टूटा, जो मस्जिद टूटा, वो तोड़ने वाले लोग ही हम थे, हम मतलब वो सारे लोग, वो हिंदू वो मुस्लिम जो इस देश के वासी हैं वो थे, तो हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, हम अपने आत्म को खुद शोधन करेंगे, हम अपने आत्मा के अंदर जाके देखेंगे कि हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं, और उस सोच को मैं सैल्यूट करता हूँ जो इस सोच को लेकर आए। सीतामढ़ी एक ऐतिहासिक धरती है, हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग माँ सीता की धरती है ये, और इस धरती से एक ऐसी सोच निकल के आई है जो मुझे अब मुझे ये लग रहा है कि चलो मैंने सोसाइटी के लिए एक काम किया, एक ऐसा कदम उठाया जिससे सोसाइटी को आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक होके रहने का एक थीम हम लोग दे के जा रहे हैं। और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही देना चाह रहा हूँ कि न कोई किसी की मस्जिद को तोड़े, न कोई किसी के मंदिर को तोड़े, क्योंकि मंदिर और मस्जिद एक आस्था का केंद्र है, और एक मंदिर टूटने पे सैकड़ों दिल टूटता है, एक मस्जिद टूटने पे सैकड़ों दिल टूटता है। आज हम लोग क्यों नहीं उन टूटे दिलों को जोड़ने का काम करें, और ये आत्मशोधन यात्रा उस मकसद पे मैं कहूँगा 100% अपने उस रास्ते पर चल दिया है जहाँ पे हम लोग टूटे दिल को जोड़ने का काम करेंगे। एक हिंदुस्तान, ऐसा हिंदुस्तान जो सपनों का देश हमारा है, उसको हम लोग बनाने का काम करें। आप क्या महसूस कर रहे हैं? मैं अपने आप को तो अब यही कहूँगा कि आज मुझे लगा कि मैंने अपने जीवन में कोई एक काम अच्छा किया। अब तक जो किया बस वो ऐसे ही था, लेकिन ये काम करके मुझे लग रहा है सेल्फ सेटिस्फैक्शन जिसको कहते हैं अपने वर्ड से, मुझे पढ़ने से लेकर जॉब में आने तक में ये पहला काम लगा जो मुझे लगा कि नहीं मैंने कोई काम किया। राकेश चंद्रवंशी जी है, अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दिया जाए सर, श्रीमान बताइए। नमस्कार, मैं राकेश कुमार चंद्रवंशी, सेक्युलर सोसाइटी सीतामढ़ी के जिला सचिव जी। आप लोगों ने जो आज की जो मार्च निकाला था उसमें आप लोगों ने मुंह पर पट्टी बांधा था, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य था? आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर भारत के लिए नहीं दुनिया के लिए शर्मसार बन करने वाली दिन है। एक तरफ बाबा साहब का परिनिर्माण मनाया जाता है तो दूसरी तरफ पूरे देश में उन्माद फैलाने के लिए रेड अलर्ट जारी की जाती है। हम अपने मुंह पर पट्टी इसलिए बांधते हैं कि हम ये बताना चाहते हैं कि ये जितने भी ये प्रत्येक व्यक्ति का जो कोई आराध्य है वो अंदर रखने की चीज़ है, इसे प्रदर्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर एक चीज़ बताया जाए कि ये जो सेकुलर पार्टी सेकुलर सोसाइटी का जो आपने गठन किया है, इसका सचिव है, इसके पीछे मूल उद्देश्य आप लोगों का क्या है, क्या मोटो है?
देखिए, भारतीय संविधान ने ये सबको हक दिया है कि अपने अधिकार से जीवन जी सके, धर्म को स्वीकार कर सके या अपना रास्ता चुन सके। हम किसी को जबरदस्ती नहीं थोप सकते हैं कि आपको हिंदू बनना है, मुसलमान बनना है, सिख बनना है, ईसाई बनना है। आपको ये अधिकार को यदि कोई अतिक्रमण करता है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, देश का सरकार हो या कोई भी हो, तो इसको हम इस मंच के माध्यम से संविधान की सुरक्षा के लिए सड़क पर निकले हैं। जी, ये चीज बताइए कि इसका विस्तार भी आप करने जा रहे हैं क्या आने वाले दिनों में? अभी तक तो ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन यदि आम लोगों की ये प्रेम और स्नेह मिला और लोगों का डिमांड हुआ कि इस तरह के कार्यक्रम दूसरे जिले में भी हो और राज्यव्यापी हो या देशव्यापी हो, तो हम इस पर प्रयास करेंगे। तथाकथित बाबरी मस्जिद, तथाकथित श्री राम जन्मभूमि, इस इन विवादित स्थल पर आपकी आपका क्या राय है? देखिए, ये कोर्ट का मसला है। हम इस पर ना हमने कोई उत्खनन किया और ना कोई गए हैं। जितने भी एक्सपर्ट लोग जो जा रहे हैं, इसलिए सभी लोगों को कोर्ट की राय मान लेनी चाहिए। इस पर मेरा कोई विशेष टिप्पणी और बयान नहीं है। सरकार इस संदर्भ में कुछ नई कानून भी बनाने का प्रयास कर रही है या बनाने की मंशा बनाई हुई है? इस संदर्भ में आप अगर क्या चाहिएगा कि आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा कि कोर्ट का मानना करना, यानी कि हमारे जो धर्म में ऐसा माना गया है, सरकार वही तो मैं बता रहा हूँ। कोर्ट एक तरफ, न्यायालय मामला न्यायालय में चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, और एक तरफ कुछ लोग जबरदस्ती कर करके इसको मंदिर ही बनाना चाहे, और कुछ यानी जो भारत की जो ये धर्मनिरपेक्षता है, पथ निरपेक्षता है, इसको समाप्त करने के लिए ही ये संविधान विद्रोही काम कर रहे हैं, ये लोग देशद्रोही काम कर रहे हैं। ऐसा करना वो किसी भी हक में जायज नहीं है। यदि ये तो कहिए उन्मादी लोगों के लिए एक विशेष पैगाम दे रहे हैं कि तुम उन्माद करो, और सामान्य लोग जो लोग इसमें भाग नहीं ले रहे हैं या जिनकी संख्या कम है उसकी हत्या करो, ये इस तरह का फैसला हम इसका विरोध करते हैं। और इस तरह के कानून इस देश में लागू नहीं होगा, मैं आपको आज ये भी कह रहा हूँ। इस देश में यानी जन क्रांति हो जाएगी, गृह युद्ध हो जाएगा यदि इस तरह के कानून बने तो। और भी आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, हमारा दर्शक आपको देख रहे हैं, सुनने वाले सुन भी रहे हैं। और सुनने वाले सभी लोगों से मेरा एक ही अपील है, चाहे आप धर्म आप व्यक्ति का निजी मामला होता है, उसे प्रदर्शन ना करें, उसको राजनीति में ना डालें, और किसी भी वर्ग को समाज में, हमारे जो देश में, भारत के जो देश है, इसमें कोई भी धर्म और संप्रदाय के लोग रह रहे हैं, तो उसमें असहिष्णुता की भाव नहीं उत्पन्न होना चाहिए। सभी को ये हक है अपने अधिकार से जीने, उसकी मौलिक अधिकार, और जो स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र जो परिकल्पना है उसको आघात न पहुंचाएं। इसी को बचाने के लिए हम लोग सतत प्रयास करते रहेंगे। आपने हमें समय दिया, धन्यवाद। ये सद्भावना टीवी चैनल है, जिला के स्थापना दिवस को हम दिखा रहे हैं। आइए चलते हैं।
इन कार्यक्रमों की ओर। कि मैं समाहर्ता के रूप में सीतामढ़ी में पोस्टेड होने के साथ ही मैं बहुत खुश था, क्योंकि मेरी हमेशा यह उम्मीद रहती थी कि मैं वैसे जिलों में जाऊं जहां मेरी ज़्यादा आवश्यकता है। और यही वजह है कि सीतामढ़ी में पोस्टिंग होने के बाद काफ़ी मैं खुश होकर यहां ज्वाइन भी किया, और हमेशा मैं दिन रात यह सोचते रहा कि क्या बेटर किया जा सकता है। जहाँ तक ODF का सवाल है तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब मैं बिहार डेपुटेशन से गुजरात से आ रहा था तभी मैंने यह प्रण ले लिया था कि कोई भी जिला होगा सबसे पहले ODF नहीं करूँगा, क्योंकि गुजरात का पहला ODF जिला नर्मदा को मैंने अपने नेतृत्व में अपने जिलावासियों के सहयोग से किया था। और जब सीतामढ़ी आया तो बहुत कम समय में, यह कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पहले के समाहर्ता यानी गौतम जी ने बहुत अच्छा काम करके गए थे, यानी यह कह सकते हैं कि पिच तैयार करके गए थे, मुझे केवल बैटिंग करनी थी। तो आने के बाद जरूर उनका योगदान था। सीतामढ़ी वासियों ने खास तौर पर हमें बहुत ही रिस्पॉन्ड किया, बहुत उन्होंने सहयोग किया, हर अवसर पर सहयोग किया, और यही वजह रही कि ODF करने में हम कामयाब हुए और सीतामढ़ी का नाम ऐतिहासिक रूप से स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया कि पहला ODF डिस्ट्रिक्ट बिहार का वह सीतामढ़ी। इतना ही नहीं, आप सबको पता है कि पहला प्लास्टिक फ्री डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने जब अभियान शुरू किया था 8 अगस्त को, तो वह भी पहला जिला सीतामढ़ी था, और उसके बाद पूरे बिहार में इसको लागू किया गया और इसके लिए प्रयास चल रहे हैं। बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं, आप लोगों ने देखा जन जागरूकता के लिए हमने सभी चीज़ों को जन आंदोलन से जोड़ा, कैंपेन मोड में काम करवाया, काम हमने नहीं करवाया बल्कि हमारे सभी अधिकारियों ने बहुत अच्छे से काम किया। यह आयोजन केवल मेरा यह क्रेडिट नहीं जाता है, इसमें जितने भी जनप्रतिनिधि बैठे हैं जिनसे मेरी दिन ब दिन बात होती रहती है, उनकी इच्छा थी कि जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तो स्थापना दिवस भी अच्छा होना चाहिए। यही वजह है कि चाहे MP साहब हमारे मुख्य अतिथि को सम्मानित करते हैं, जिला पाई और जोरदार जारी होनी चाहिए। ठीक है, मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि मैंने अपने काफी व्यस्त समय से और समय तत्पश्चात में माननीय जिला पदाधिकारी महोदय एवं आपकी पूरी टीम से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। छोटी छोटी गलतियों को कौन पकड़ेगा, पकड़ेगा तो फाइनल में छूट जाएंगे। Thank you.
खुशी हुई थी वहां दोनों कोर्ट में आपके इस भाई का सबसे बड़ा संगठन है जिसको कांगला कोर्ट और गुंडला कोर्ट कहते हैं और रंजीत जी वहां उनकी पोस्टिंग हुई थी। जब वहां मैं मिलने गया था इनसे किसी ने कहा कि बिहार के ही है, जब मैं मिलने गया था इनसे और जब इनको मैंने देखा था तो मुझे लगा ही नहीं था मैं किसी आईएएस ऑफिसर एक एजीएम से मिल रहा हूं। Thank you.
टीवी चैनल है, हम आपको और भी कार्यक्रम को ले चल रहे हैं और दिखाते हैं जी। कहिए भैया, किस लिए चंदन लगा दिया? हाँ, जब हम लोग कांग्रेस के इस ऐतिहासिक जीत पर राहुल गांधी के 100 साल बाद एक साल की अध्यक्षता में पूर्णे पर और कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत पर विजय जुलूस निकालने जा रहे हैं। आज कहाँ से कहाँ निकाल रहे हैं? यह जुलूस यहाँ ओरिएंटल स्कूल से जानकी स्थान तक जाएगी। हम लोग अपने जीत पर अपने नेता को बहुत बहुत बधाई देते हैं। कितना देना है? 3000 और और यह चुनाव 1919 में मोदी के जाने का आगाज है, जिसका सारा श्रेय हमारा आदरणीय नेता राहुल जी का। आज आप लोग चंदन क्यों लगाए? चंदन लगाया सिर्फ भारत के गरीब जनता और किसान के जो नेता है राहुल गांधी के धन्यवाद दे रहे हैं कि उनके मेहनत का रिजल्ट आया। हम लोगों ने बहुत ही आवाज गलत बरसों को रोकने का काम राहुल गांधी ने किया, हमारे लिए मतदाताओं ने किया है, भारत की सरकार बनी है। धन्यवाद। दुबई की धरती पर
मैं आज मेरे सामने लघु भारत के दर्शन कर रहा हूं। हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे देशवासियों को मैं नमन करता हूं। जहां पर बच्चों को दीनी एवं दुनियावी तालीम दी जा रही है, ये देखें। टीवी चैनल का शुक्रिया जी। मौलाना मोहम्मद जाबिर हुसैन कादरी, मदरसा रिजविया मिनहाजुल उलूम खुद्दी बखारी से मैं बोल रहा हूँ जी। सर, अभी हमारे मदरसा में तकरीबन 200 से ज़ायद बच्चे तालीम पा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिसमें 3 मदर्रिस, 5 मौलाना है और 1 मास्टर है जी। जी 6 मदर्रिस है, 6 मदर्रिस है, जिसमें बहुत मेहनत और मशक्क़त से बच्चे की ज़िंदगी सुधारने में हम वक्त कोशिश में लगे रहते हैं जी। सर, ये मदरसा दीनी है या बस कि ये दीनी दुनियावी दोनों है? दोनों जी। हाँ, दीनी तालीम भी हम लोग देते हैं और साथ साथ दुनियावी भी तालीम देते हैं जी। सर जी, और आप लोग इसमें चाहते हैं कि बच्चे को जो है सो स्किल डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि कंप्यूटर का जी जी, ये सब का भी चाहते हैं जी? क्या क्या चाहते हैं जी? बच्चे को कंप्यूटर भी सिखाना चाहते हैं जी, हर वो तालीम जो हमें रोजमर्रा जी जी बच्चे को हमें तरक्की के जानिब ले चके, हर वो काम इंशाल्लाह धीरे धीरे हम लोग कोशिश करके करना भी चाहते हैं और अल्लाह ताला ने चाहा तो करेंगे भी जी। आपके मदरसा का जो पोजीशन है वो कैसा है, कितना अभी हमारे मदरसे का पोजीशन है? जो अभी हम लोग इब्तदाई करीब 10-12 साल से किए हैं, अभी कहीं दूसरे का कोई इमदाद नहीं है, गांव वाले 100-150 की घर की आबादी है, जिससे हम ही सब लोग जो बाहर के भी बच्चे हॉस्टल टाइप के, करीब हमारे मदरसे में 35 बच्चे अभी तालीम पा रहे हैं जी। जी जी, 35 बच्चे का जितना भी खुराक जितने भी चीज है सब हमारे गांव के आदमी इसे अभी मुहैया कर रहे हैं जी। जी, और यहां पर जो है तो क्या आप लोगों को 11 कट्ठा का जो आपका जमीन है जो हम देखे हैं जी, तो ये 11 कट्ठा जमीन में भी कुछ इमारत बननी चाहिए या? आने के लिए हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं और इसके मुतालिक अगर सरकार हमें मदद करे तो ज्यादा बेहतर है, सरकार से भी हम इसका हेल्प लेना चाहते हैं, इसलिए यहाँ गरीब तबके के लोग हैं जी। हम लोग कोशिश करके यहाँ तक के अभी 2 रूम मुकम्मल है, 3रा रूम आपका बन रहा है, जेर ये है तामीर है, आप देख भी सकते हैं आपके टीवी चैनल के द्वारा, इसके टीवी भी कर सकते हैं, फोटो भी जेर तालीम समझ गए, यानी झोपड़ी झोपड़ी वाला है उसको आप बनाना चाह रहे हैं, बना रहे हैं और बनाना भी चाह रहे हैं। आप बच्चे सबके लिए टॉयलेट जी, टॉयलेट भी बनाना है जी, लड़कियों के लिए टॉयलेट अलग से नहीं बनवाया जी? अभी नहीं बनवाया हूँ लेकिन सबकी तैयारी कर रहे हैं, अभी हौज बना चुके हैं लेकिन अभी उबर के इमारत नहीं बना जी। मुकम्मल इमारत बनाने में आप लोगों को कितने पैसे की आवश्यकता होगी? अभी तो काफी पैसे लगेंगे, आप जो भी इमारत की तो कोई ठीक नहीं है तो कितना पैसा लगेगा? मोटा मोटी आपको कितने पैसे चाहिए? कम से कम अभी नहीं, अभी उतना नहीं, कम से कम 20-25 लाख अभी फिलहाल हम लोग। चलिए हाँ बोलिए, उसके बाद आपका क्या मतलब कि इच्छा है कि यह मतलब इसमें जो है सो अभी कहाँ से कहाँ तक बच्चों को पढ़ाते हैं? अभी 1 से लेकर 5वीं तक हिंदी की पढ़ाई हम लोग पढ़ा रहे हैं जी, और बच्चे हिफ्ज करते हैं, जो हम लोग कुरान का हिफ्ज कराते हैं, हाफिज बनते हैं जी जी, मौलाना भी यहाँ से निकलते हैं, मौलवी की तो पढ़ाई होती है, हिफ्ज की भी पढ़ाई होती है जी, और हिंदी इंग्लिश की भी पढ़ाई होती है जी। तो आने वाले समय में आप लोग इसको जो है सो ये प्लस टू की भी आपकी योजना है क्या? प्लस टू की यानी इंटर कॉलेज जो होता है, इंशाल्लाह अगर वो दिन देखने को मिला तो अच्छी बात, हम लोग कोशिश में है जी जी।
आपका एक कमेटी भी बनी है सर? जी जी, हमारे गांव की कमेटी भी अभी बनी हुई है। स्कूल बदरसा की भी कमेटी बनी जी, है जी, उसमें उसके कौन कौन सदर हैं, क्या है बताया? उसमें सिक्योरिटी है अली जनाब मोहम्मद मसलहुद्दीन साहब जी सर, नायब सिक्योरिटी है अली जनाब मोहम्मद अलाउद्दीन साहब जी सर, खजानती है मोहम्मद सुरेश साहब, खजानती नायब है जी जी जी, मौलाना इरशाद साहब जी जी जी, अब सदर है अली जनाब मोहम्मद मन्ने साहब जी, नायब सदर है। और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है क्या सर? और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई किसी प्रकार का तकलीफ? किसी प्रकार तकलीफ यही है कि हमारे पास रूम की कमरे की कमी है, बच्चे हमें ज्यादा है जी। जल्दी अगर मेरा ये काम हो जाता तो ज्यादा अच्छा होता। तो आप प्रशासन और सरकार से भी कुछ मांग करते हैं क्या? मैं तो मांग करता हूँ और करूँगा भी, इसीलिए सरकार हमें इस में हेल्प करे, मदद दे, तो बहुत उनका शुक्रिया होगा। आपका परिचय सर, आपका नाम क्या हुआ सर? मोहम्मद अली सर, सही नहीं लिखा है? आप बताए है ना, सही बात है। और आप इसके किसके अभी हेड है, किसका देखभाल कर रहे हैं, किस मदरसा का नाम क्या है मदरसा का? इस्लाम ये कब से चल रहा है सर? 56 से। और इसको आप लोग कैसे संचालित कर रहे हैं? समाजी लाइन से वसूल करके दे रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक बच्चे सबको पढ़ाते हैं? बच्चा तो जहाँ तक पढ़ सके, उर्दू लाइन में, हिंदी लाइन में, जहाँ तक। अब तक सरकार का कोई आपका इमदाद या कुछ इस तरह का कुछ नहीं मिला है? कुछ नहीं। आगे से भी ले लेते हैं। नहीं आप तो अनुभव बैठी बैठी आप आरी अब्दुल अजीम नगर जी सर, आप क्या हैं सर? यहाँ हेड टीचर हैं, सदरुल मदरसीन। मतलब कौन सा मदरसा है, मदरसा का नाम क्या है? जामिया अरबिया तय्यबुल मदारिस जी सर। इसकी स्थापना कब हुई थी?
1994 में। जी सर, ये इसके संस्थापक कौन थे और इन्होंने क्या दिया था, ये क्या सरकारी मदरसा है या नहीं? ये प्राइवेट मदरसा है। इसके संस्थापक जो हैं हजरत मौलाना हकीम जहीर अहमद साहब अल कासमी। जी सर, और ये अब तक प्राइवेट क्यों है, इसको जो है सो आपने सरकारी करण क्यों नहीं करवाया था? सरकारी कराने के लिए आपस में सहमति नहीं हो सकी। उसकी वजह है कि सरकारी बोर्ड वाले मदरसे जितने हमारे जिला में चल रहे हैं जी सर, सब ऐसी है, पढ़ाई उड़ाई कुछ हो नहीं रही है, तालीमी निज़ाम तनख्वाह के लिए वो इसी लोग कुत्ता के जैसे दौड़ रहे हैं जी। ये हालत है सरकारी मदरसों की, हालत है जी सर, जी अब सर। पढ़ाई तो बिल्कुल जीरो है जी सर, तो इसलिए हम लोगों ने ऐसा इरादा ही नहीं किया। अभी जितने हमारे जिले में मदरसे हैं सरकारी मदरसे, सबका बहुत बुरा हाल है जी सर। और प्राइवेट जो मदरसे हैं सीतामढ़ी जिला में अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी निज़ाम बहुत बढ़िया है जी सर। आपकी आपके जो बच्चे हैं, कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? जो मतबख में खाने वाले बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं वो 100 से ज्यादा, 150 से ज्यादा बच्चे रहते हैं, 160-170 इस तरह बच्चे खाने वाले हॉस्टल में रहते हैं। और गांव से जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं वो 150 होते हैं, कभी 125 होते हैं, कभी 150 से ज्यादा भी होते हैं, इस तरह से बच्चे आते हैं जी सर। लगभग 300 के लगभग, हाँ 300 से ऊपर ही बच्चे रहते, कम नहीं रहते। इन लोग बच्चे को जो है सर खाना पीना का क्या व्यवस्था, कैसे कैसे क्या रखते हैं? हमारे यहाँ इलाके में सीतामढ़ी जिला है, उसके लिए दिल्ली बम्बे है और भी अतराफ है, वहाँ से जानने वाले जो लोग हैं उनसे चंदा करते हैं जी, उसी के जरिए मदरसा चलाते हैं। सरकारी कोई ऐसा हम लोग कोई आमदनी नहीं है, सरकार की तरफ से कोई ऐसा सहायता नहीं है। सर ये आपकी जो कमेटी है वो उसमें कौन कौन लोग हैं, जो इस कमेटी का संचालन समिति जो है, मदरसा का तो संचालन समिति होगा और साथ साथ आपका मस्जिद भी है 3 कट्ठे में 6 कट्ठे में। हाँ तो नमाज पढ़ने के लिए मदरसे ही की मस्जिद है वो जी जी जी। तो इसका संचालन समिति में कौन कौन लोग हैं? है उसके बारे में कमेटी में कौन कौन लोग हैं सही जो है हमारे जो उनको सही पता है, उल्मा को पता है हाँ, जो मदरसे के जो जिम्मेदार उनको सही जी। मतलब कहाँ से कहाँ तक पढ़ाते हैं इसमें? हमारे यहाँ प्राइमरी तालीम होती है जी, अरबी में उसको रौजतुल अतफाल उर्दू में हम लोग कहते हैं, केजी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जी, जी, जी। वहाँ से लेकर प्राइमरी क्लास है इब्तदाई सोम तक, उसके बाद मौलवी लाइन से अरबी सोम तक की तालीम होती है हमारे यहाँ, और हिफ्स की तालीम होती है। स्कूल के एतबार से हमारे यहाँ निसाब 8वीं क्लास तक है, उसके बाद बच्चे मिडिल स्कूल में चले जाते हैं, हाई स्कूल में चले जाते हैं। हम बजाबते हिंदी इंग्लिश उर्दू अरबी, हमारे यहाँ मेन सब्जेक्ट जो मदरसा में वो अरबी है जी सर। स्किल डेवलपमेंट का भी जो है सरकार का एक स्कीम निकला था जी, कि बच्चे को जो है जैसे कंप्यूटर हुआ, मोबाइल हुआ, इस तरह कोई लाभ हमारे मदरसे को नहीं मिला। नहीं मिला, इसके लिए प्रयास आपने किया है क्या? हाँ कोशिश तो आदमी करता ही है जी। अब सरकारी कोई लाभ पाने के लिए आपको तो बहुत तगड़ा करना पड़ता है जी सर। और यहाँ पूरे हिंदुस्तान का ये निज़ाम है कि सरकारी छोटा से छोटा लाभ पाने के लिए आपको जेब से पैसे निकाल के घूस देना ही होगा, पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है जी, पूरा सिस्टम यहाँ का गड़बड़ है जी सर। बगैर घूस के यहाँ कोई निज़ाम नहीं है जी सर। और भी कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए सर, और कुछ आपका यहाँ सीतामढ़ी जिला में जो बोर्ड के मदरसे हैं उनका निज़ाम इतना बुरा है, इतना बुरा निज़ाम है कि जो हम बता नहीं सकते। पहले लफ्ज मैंने आपको बता दिया है कि बेचारे महीना साल भर पढ़ाने के बाद मदरसे से जो जुड़े हुए टीचर हैं वो 24 घंटा पढ़ाते हैं हम लोग प्राइवेट में जी सर। तो प्राइवेट में जो तनख्वाह हम लोग को मिल जाती है वक्त पे 5,000-7,000-8,000 जो मिल जाता है, लेकिन सरकारी बोर्ड से जो मदरसे जुड़े हुए हैं बिहार गवर्नमेंट कहिए जी 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 जी, वो मौलवियों को इतना तन पैसे के लिए दौड़ा रही है कि वो पढ़ावे क्या, हर 10 दिन के बाद धरना पे पटना लोग जाते हैं, धरना दे दे के परेशान है। और वो मदरसा को बोर्ड से मंजूर करा लिया और उसके बाद अभी परेशान है दौड़ रहा। अब पढ़ाई का निज़ाम तो बिल्कुल नहीं, जितने बोर्ड के मदरसे हैं सबका वही हाल है। इसलिए आप लोग चाहते हैं कि हम इसको जो प्राइवेट ही रखें? प्राइवेट जो मदरसे हैं वहाँ तालीमी निज़ाम बढ़ा। हाँ नहीं तो इसलिए आप लोग तालीमी निज़ाम के लिए ही चाहते हैं कि प्राइवेट।
मैं मोहम्मद मामून रशीद। जी सर, कहिए आप क्या हैं यहाँ पर? मैं टीचर हूँ, मुदर्रिस हूँ। जी सर। मुअल्लिम हूँ। जी सर। और साथ साथ पत्रकार भी हैं? मैं पत्रकार नहीं हूँ। पत्रकार नहीं है? अच्छा अच्छा। ओ, ये बताइए कि यहाँ का क्या कैसा शैक्षिक, आप जो टीचर हैं तो बताइए यहाँ कैसा कैसा पढ़ाई होता है, कैसे क्या चीज़ें जो है अपने आप में एक है। जी सर। हाँ, यहाँ तो रहने के बाद ही पता चलेगा। जी। आदमी फूल के यहाँ पे जाता है तो फूल की खुशबू उसको समझ में आएगी। जी सर। और भी कुछ कहना चाहते हो कहिए। यहाँ के जो हमारे जिम्मेदार हैं बहुत बुजुर्ग आदमी हैं। जी सर। और हिंदुस्तान लेवल के पायेदार बुजुर्ग हैं। जी जी। जिनका नाम है हजरत मोहकीम जहीर अहमद साहब अल कासमी। जी सर। नादिमो बानी जामिया अरबिया तैयबुल मदारिस परिहार, और बिहार की बहुत ही मारूफ शख्सियत। जी सर। उनके वो खलीफा मजाज हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के। जी सर। हजरत की सिफातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। जब ये मदरसा खुला अल्हम्दुलिल्लाह तो हजरत जो है कई कई रोज़ भूखे रह करके इस मदरसे को जो चलाए हैं। जी। और इस मदरसे के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने गैबी मदद फरमाई है। जी। कभी ऐसा भी हुआ कि लोग जो परेशान करने पर तगो दो हमेशा क्या करते थे। जी। तो अल्लाह ने गैबी मदद में कुत्ते की शक्ल में अल्लाह ने यहाँ मदद करवाया। जी सर। पाइप इससे पहले जो गराया, लोग आए उखाड़ने के लिए और कुत्ता उसको भगा दिया। और ऐसे ऐसे हालात है, कई कई दिन फाके पर है, उस्ताद को मारने के लिए लोग दौड़े, मगर अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसी जगह पर इस मदरसे को इतना अरूज पर पहुंचाया है। यह सब हजरत वाला की दुआओं का समरह है। जी। और यहाँ के असातिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह सब जो है बातरबियत होते हैं। जी। और तजवीद के साथ और हर चीज़ की रियायत करते हुए यहाँ तालीम होती है। जी। और यहाँ के बच्चों में सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि फजर से पहले यहाँ जो हिफ्ज़ की तालीम होती है, और फजर के बाद फौरन जो है सूरह यासीन की तिलावत होती है, और उसके बाद जो है आम्मतुल मुस्लिमीन के लिए दुआएं होती हैं, और जोहर की नमाज़ के बाद फौरन आयत करीमा पढ़ी जाती है, उसमें भी आम्मतुल मुस्लिमीन के लिए दुआएं होती हैं। उसके बाद जो है मगरिब के बाद असर के बाद फिर जो है फजाइल आमाल हजरत वाला रहते खुद पढ़ते हैं, नहीं तो जो भी उस्ताद होते हैं उसको पढ़ करके उसके बाद जो जिक्र होती है, और उसके बाद जिक्र के बाद जो है दुआ पर जो है बच्चे को सैर व तफरी के लिए छूट दिया जाता है, और मगरिब के फौरन बाद फिर जो है सुबह शाम की जो दुआएं होती हैं वो पढ़ाई जाती हैं, और पढ़ाने के बाद फिर जो है बच्चे याद करने में मशगूल हो जाते हैं। ढाई घंटे की तालीम के बाद फिर ऐशा के बाद जो ऐशा के वक्त जो अदान होती है नमाज़ पढ़ने के बाद, बच्चे सूरह वाकया, सूरह मुल्क, अलिफ लाम मीम, सजदा की तिलावत करते हैं। उसके बाद फिर आम्मतुल मुस्लिमीन और तमाम लोगों के लिए दुआएं होती हैं, जिसके कर्ज हों, परेशान हाल हों उन लोगों। अच्छा ठीक है। अब्दुल रहीम कासमी जी सर, ये आपका मदरसा कब से कायम है? आपने 2009 से ये कायम हुआ है। जी सर। ये कितना दूर में फैला हुआ है सर? ये 4 कट्ठा में फैला हुआ है। बच्चे कहाँ से कहाँ तक तालीम पाते हैं सर? ये कुरान करीम नूरानी कायदा से लेकर के कुरान करीम का हिफ्ज करवाया जाता है तजवीद के साथ में। सर बच्चे की संख्या कितनी है? इस वक्त तो संख्या हमारे यहाँ 55 बच्चे हैं, मतलब जो मतलब में दाखिल है। हाँ, हॉस्पिटल में। जी, हॉस्टल में। हॉस्टल में, सॉरी सर। और उसके बाद में ये होता है। हाँ, जो गांव से आते सर, ये बताया जाए कि आप लोग जो है यहाँ जो पढ़ाते हैं तो किस प्रकार का आप लोगों को तकलीफ होता है क्या, चूँकि आप सरकार से कोई ऐड नहीं लेते हैं? हाँ, वो तो तकलीफ तो होती है, खर्चा पूरा करने में तो काफी दिक्कतें और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो फिर आप जब सब लोग चाहते हैं कि भाई हम सर मतलब कि ये गंगा में हाथ धो लें। जी जी। गंगा बह रही है उसमें हाथ धो लें। जी जी। तो उस जो सरकार इतनी लाखों करोड़ रुपए दे रही है आप लोगों के बुनियादी को अच्छा बनाने के लिए, सब कुछ करने के लिए, तो उसमें आप लोग क्यों नहीं चाहते हैं कि हम इसमें जो है सरकार से भी कुछ हम ये ले रहे, कुछ मुकाबला करें, कुछ हम ले कुछ उनसे जो हमारा इसको नहीं, हमारा अपना जो असलाफ का तरीक़े कार रहा है। जी सर। वो यही रहा है कि हमको चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ हों, परेशानियाँ बर्दाश्त करनी पड़े,
लेकिन हम करेंगे, सरकार से हम एड नहीं लेना चाहते। उसकी वजह यह है कि हम सरकार से अगर एड लेंगे तो फिर सरकारी कमाने और जवाबदेही का हमको पाबंद होना पड़ेगा सर, और उस हिसाब से हम मदरसे को नहीं चला सकते। फिर वो मदरसा मदरसा नहीं रह जाएगा, बल्कि वो एक सरकारी हॉस्टल के टाइप में समझी होकर रह जाएगा और तालीम का कबाड़ा हो जाएगा, तालीम नहीं हो पाएगी उसमें। तो इसलिए हम गरीब नादार किस्म के बच्चों को रखते हैं और उनके वालिदैन जो है जो कुछ भी डोनेशन करना चाहते हैं वो उसको कबूल कर लेते हैं। इसके अलावा हम जो है शहरों में जाते हैं, लोगों के सामने अपनी ज़रूरियात रखते हैं और उन लोगों से अल्लाह ताला हमारी ज़रूरियात को पूरी करवाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अहमद खान जी सर, आप क्या है सर इस मदरसे के? मैं टीचर हूँ, उस्ताद हूँ मौलाना की हैसियत से जी। तो ये किस कौन सा मदरसा है? यह है दारुल उलूम नसरानिया सफदर सुल्तान जी। यह जो है सो कब से यह शुरू है? 1947 से इसका नया बिल्डिंग का इफ्तिताह है और तो बहुत पुराने से ये चल रहा है, बहुत पहले से एक ज़माना से चल रहा है, यानी 200 वर्ष पर। तो ये जो है सो देवबंद का है या बरेलवी का है? सुन्नी बरेलवी का है। बरेलवी, ये यहाँ पढ़ाने का क्या तरीका है सर? यहाँ के मतलब पढ़ाने का वही, बच्चे सुबह से जो प्राइमरी वाले बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद जो हॉस्टल में रहते हैं वो बच्चे 12 बजे तक पढ़ते हैं जी सर। गवर्नमेंट एडेड मदरसा और ये जो है आप लोग का जो है अभी प्राइवेट रूप में जो है ये मदरसा बोर्ड से जो आप एफिलिएशन लिए हुए हैं, दोनों में क्या अंतर पड़ता है, क्या होता है अंतर? तो गवर्नमेंट से ये होता है कि गवर्नमेंट उसको पेमेंट करती है और उस गवर्नमेंट के हिसाब से जो हो मतलब उसको देती है मदरसा को, और जो प्राइवेट है तो उसमें अनुदान से कोई गरीब कोई जो मालदार है तो कुछ पैसा दे दिए तो उसी हिसाब से अपना चलता उलता है। अपने यहाँ लगभग मोटा मोटी कितना खर्चा पड़ जाता होगा एक साल भर में? साल भर में वही जो टीचर की तनख्वाह है। तनख्वाह कितना होगा मोटा मोटी? मोटा मोटी एक टीचर की तनख्वाह है 6,000-7,000। और इस बच्चों के खाने पीने का इंतजाम जो गांव से गांव वाले खिलाते हैं वही लोग करते हैं जी। जो बच्चे एक बाहर के रहते हैं हॉस्टल में तो गांव वाले अपना खर्च करते हैं, मतलब पूरा ही जकात इमदाद इमदाद के ही चलता है। और सरकारी कोई इसका कोई अनुदान वगैरह नहीं है सरकार? अगर आप तो चाहेंगे तो क्या चाहते भी है क्या कभी कभी? हाँ तो मतलब ये मतलब यहाँ की आवाम जो है ये नहीं चाहती कि हमारा मदरसा मतलब सरकारी हो, ये प्राइवेट अपने स्तर पे ही चलाना चाहती है यहाँ की आवाम जो है। हाँ, आवाम अपने स्तर से जो संचालन समिति के लोग वो चाहते हैं कि नहीं सरकारी मिले। हाँ, नहीं आप लोग तो आप लोग की तो इच्छा होगी कि हाँ, कि हमको हमको 7,000 मिल रहा है उससे अधिक पैसे मिले। अधिक और भी कोई किसी प्रकार का कोई कठिनाई आप लोगों को होता? ना हम लोग कोई कठिनाई नहीं। फोटो खींचा है क्या हो? ते मदरसा के मां यूनुस जी, आप क्या हैं? मौलवी। मौलवी हैं यहाँ सदर मदरिस? ना हम सदर मदरिस। अच्छा, इस मदरसा का नाम क्या है सर? मदरसा रिजविया दारुल उलूम रिजविया हिदायतुल मुस्लिमीन जी सर। ये बताइए कि कब ये स्थापित किया गया?
ये हुआ स्थापित आपको अभी बताए थे ना वहाँ ये कहाँ से कहाँ तक ये बच्चा की पढ़ाई होती है सर मौलवी तक की पढ़ाई होती है जी बच्चा का पढ़ाने का क्या तरीका है सर बच्चे का पढ़ाने का दर्श में बैठा करके सबको पढ़ाते हैं अच्छा और ये जो है मतलब कि कितना बच्चे यहाँ पढ़ते हैं सर सब 400 के करीब बच्चे हैं यहाँ सिर्फ दीनी पढ़ाई होती है या दुनियावी पढ़ाई होती है सर इसमें दीनी दुनियावी दोनों पढ़ाई है जी कैसे हिंदी इंग्लिश भी पढ़ाई है जी फारसी टू इंग्लिश हाँ ये सभी अरबी वगैरह भी जी सर और ये जो है ये मदरसा जो आप लोग लग चलाते हैं तो ये कभी ऐसा सोचते नहीं कि हमको सरकार से भी कुछ हम लोगों को कुछ मिल जाए कुछ ऐसा कोई है ही नहीं हम लोगों को मान्यता नहीं है वहाँ तक पहुँचने के लिए इस वजह से हम लोग नहीं कर पाते हैं बच्चे को चंदा वगैरह कर कर खिलाते हैं दाना पानी मदरसे के बच्चे वजह यही है गरीबताई की वजह से बच्चा की तालीम नहीं हो पा रही पूर्ति चंदा उंदा होकर करके हम लोग यहाँ ये दुआएं होती हैं और उसके बाद जो सोने का ये रहता है उसके बाद सोने में लग जाते हैं और हजरत रहते हैं तो सुबह सुबह में वही जगना जगाना असाज़ा पे जो है दीनी और तालीमी और तरबियत का जैसा माहौल होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह उसका असर रहता है और तमाम असाज़ा यहाँ के जो है बारौनक हैं और यहाँ की यहाँ का माहौल जो है बहुत पुरअमन और पुरसकून है और यहाँ का माहौल बहुत खुशगवार रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। और नमस्कार, ये सद्भावना टीवी चैनल है। आज हम आपको ले चल रहे हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से, जहाँ पर समाहर्ता सीतामढ़ी आकर के उद्घाटन किए हैं एवं मुख्य अतिथि के रूप में श्री माधव चौधरी सामाजिक हमारे देश में कमोबेश यही हुआ। चंद मुट्ठी हम लोग
अपनी राजनीतिक नोटिस देखते देखते समाज और देश की व्यवस्था को इस कदर कमजोर बना चुके हैं कि आज जहां जाइए सरकारी व्यवस्था में जहां कहीं भी बैठिए बिना भ्रष्टाचार के कोई एक शब्द बात करने को तैयार नहीं। किसी भी योजना के ऊपर नजर उठा सकते हमारे बच्चे पढ़ते हैं, एक समय हम लोग स्कूल जाते थे उसी सरकारी स्कूल की बात करते हैं तो हम लोग के झोला में कॉपी किताब स्लेट पेंसिल हुआ करता और आज क्या दुर्भाग्य है आजादी के 72 साल बाद यहाँ सब हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं तो उनके थैला में कॉपी किताब स्लेट पेंसिल नहीं होता, थाली और कटोरा होता। यह दुर्भाग्य है हमारे देश और उसकी तरह जो आप लोग को शिक्षा व्यवस्था चला रहे हैं उसके लिए हम जितनी तारीफ करें वो कम है। थोड़ा सा आप लोगों से आग्रह है कि कुछ गरीब बच्चे भी हैं समाज में उनको भी अगर थोड़ा जगह आप लोग दे दें तो शायद बहुतों का भविष्य सफा हो सकता है। कुछ बच्चों को ऐसे ही सहारा चाहिए। बिट्टू बाबू तो मेरे बोले थे इस बात पर, बिट्टू बाबू कहते थे हाँ भैया हम लोग के स्कूल में कुछ गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था दी जाए, हम कहें थोड़ा और बढ़ा दीजिए समाज के प्रति थोड़ा सचेत रहते तो लोग थोड़ा बच गए, कहते नहीं भैया ठीक है अगली बात करो तो उसी तरह थोड़ा और इसको बढ़ा शायद बढ़ाएंगे फिर उनको पूरा विश्वास। हम लोग तत्व के ऊपर बोल रहे हैं हमारे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो कैसी होती है शिक्षा के ऊपर ही जो कल कॉपी किताब सिलेक्ट मिलती था और आज लोग सैया को थोड़ा पर ले शिक्षा व्यवस्था जरा गौर से सोचिए अगर ये प्राइवेट संस्थान नहीं हो पब्लिक स्कूल नहीं हो तो आप ही के बच्चे कहाँ पर हैं और किस हालात में होंगे कैसे शिक्षित होंगे। सरकारी स्कूल में जो शिक्षक हैं उनको कहिए कटहारा लिखने को पूरी गाड़ी में साथ करते हैं 50% से अधिक ऐसे शिक्षक है जो बाहर भी हुए हैं वही को सही ढंग से नहीं बोल रहे ऐसे ऐसे शिक्षक है सरकार क्या देखती है क्या सोचती है उनको तो वोट बैठ की राजनीति करनी है तो उसी में लगी रहती है जो चलो भाई जिसकी नौकरी है अगर छिन जाएगी तो कलो के हो सकता है इनको भूल सकता लोकतंत्र में की सबसे बड़ी खूबी है कि प्रजातंत्र प्रयोग के लिए प्रजातंत्र का जो विस्तार हुआ था प्रजा के लिए वो प्रयोग के तौर पर हुआ था जो प्रजा के हित में जो सबसे बेहतर व्यवस्था हो उसको लागू किया इसका यह हो पा रहा है आप लोग खुली आंखों से देख रहे हैं। शिक्षा ने शिक्षा के ऊपर बोल दिया निकल कॉपी की तरफ था उनका प्रयोग हमारे लिए व्यवसाय धराशायी हो गई हमारे साथ रहने वाले जो व्यवसायी थे कई लोग आत्महत्या नहीं कर लिए उस समय तनाव से देखे हो बहुत सारे मजदूर का नौकरी छूट गया बहुत सारे बैंक से लोग समस्या गरीबी थी और इसके ऊपर गर्व क्या कहता हूँ चिंतन और मन और एक रास्ता उसको सुझा जो ऐसा हुआ कि और इसको सुधार कैसे सुधारा कैसे जा सकता है इस पर बात में आते हैं ऐसा हुआ तो पूजा जा सकते हमारे यहाँ जो
की कुछ लोगों ने अज्ञात लोगों ने तोड़ दिया है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करें। हम आपको हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश सचिव अरविंद कुमार झा। आइए हम देखते हैं उनके कार्यक्रम। हिंदू परिषद देश के सभी संसदीय क्षेत्र में अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हो, इसलिए धर्म सभा का आयोजन परिषद के द्वारा चल रहा है। गीता जयंती के अवसर पर 18 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच में सभी पंचायत में धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से आग्रह किया जाएगा और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो, इसमें विघ्न बाधा समाप्त हो, इसलिए धार्मिक अनुष्ठान होगा। और इलाहाबाद के कुंभ में जो 15 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहा है, वर्तमान केंद्र सरकार के अंतिम शीतकालीन सत्र में वर्तमान केंद्र सरकार अगर अयोध्या राम मंदिर निर्माण विषय पर अध्यादेश लाकर कानून नहीं बनाया तो फिर अपने देश के उच्चाधिकार संत समिति और देश भर से जुटे साधु संत धर्म संसद लगाकर करके 1 फरवरी और 31 दिसंबर को जो अपना धर्म संसद लगेगा उसमें फाइनल करेंगे कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश से लोगों को वहां जुटाएंगे। ये फैसला कुंभ में होगा। जय श्री राम। बहुत खुशी की बात है। जी आज हम सब देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 134वां जन्मदिन के अवसर पर चित्रकूट धाम पर हम सभी इकट्ठे हो रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। राजेंद्र बाबू राष्ट्र के गौरव थे, राष्ट्र के गौरव हैं और आइंदा भी रहेंगे। इसलिए नहीं कि वे किसी जाति विशेष के नेता थे, बल्कि इसलिए कि स्वतंत्रता के संग्राम में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी और उनका भी पॉलिटिकल कैरियर चंपारण मोतिहारी से ही शुरू होता है, किसान संघर्ष से। जब महात्मा गांधी किसानों के दर्द को सुनने के लिए किसानों के आमंत्रण
कलकत्ता हाई कोर्ट के, जिसमें पटना हाई कोर्ट उसके साथ था, उसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के बहुत वरीय अधिवक्ता और काफ़ी प्रतिष्ठित और हर तरह से संपन्न अधिवक्ता थे। अधिवक्ताओं की बड़ी मजबूरी होती है, जल्दी वो अपना काम छोड़ना नहीं चाहता है, परंतु ये राजेंद्र बाबू का त्यागी था जिन्होंने अपनी रोडिंग प्रैक्टिस छोड़कर चंपारण के आंदोलन में शामिल हुए और वहाँ पर और कुछ नहीं, वहाँ पर किसानों का जो आवेदन था दुख दर्द का, नीलहा कोठी के साहब के शोषण का, उसी की शिकायत राजेंद्र बाबू वहाँ बैठ कर टेबल कुर्सी पर लिखते थे। और एवं प्रकार वो उन्होंने अपनी चलती प्रैक्टिस छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। एवं प्रकार बहुत तरह से वे आंदोलन में भाग लिए, गांधी जी के बहुत प्रिय पात्र थे, जवाहरलाल नेहरू को भी बहुत प्रिय पात्र थे, और कालांतर में जो हमारा संविधान बना उस संविधान में लिखने वालों में, तैयार करने वालों में, योगदान करने वालों में, सहयोग करने वालों में एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। यह अलग बात है कि राजेंद्र बाबू के नाम को लोग संविधान लिखने वालों में अक्सर बहुत लोग नहीं लेते हैं, लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान था। भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष जरूर थे, लेकिन उस कमेटी में राजेंद्र बाबू भी सदस्य थे। और आज उनकी जन्मतिथि हम मना रहे हैं, तो वे मेघावी छात्र तो थे ही, ज़्यादा नहीं बोलना है, वो तो मेघावी छात्र थे ही, सब लोग जानते हैं उनके बारे में, लेकिन उन्होंने जो बड़े लोगों का जो हम इसकी शताब्दी मनाते हैं उसमें उसके पीछे कुछ उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य था उनकी जो उनका जो सिद्धांत था, उनका जो आदर्श था, उसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए और आगे इसका अनुपालन भी होना चाहिए। उनका सबसे बड़ा आदर्श उनका था कि बहुत सीधे छपाते थे और बहुत सादगी से वो रहते थे। जब राष्ट्रपति भी थे तो बिहार के जो लोग भी जाते थे उनके साथ काफ़ी उनका आत्मीयता का व्यवहार हुआ करता था। राजेंद्र बाबू 100% राष्ट्रीय थे, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना के बहुत बड़े हिमायती थे, और हर तरह से कहा जाए तो मजे हुए नेता भी थे। उन्होंने आंदोलन में भाग भी लिया था, और हमें याद है जब मैं यहाँ डुमरा हाई स्कूल में 1946 में जब मैं 10वां का विद्यार्थी था, तो राजेंद्र बाबू सीतामढ़ी में जो अभी ललित आश्रम है वहाँ आए थे। उस समय उनको दम्मा की शिकायत थी, बहुत खांसी हुआ करती थी, खांसते रहते थे, फिर भी राजेंद्र बाबू के नाम पर हम लोग विद्यार्थी यहाँ डुमरा हाई स्कूल से जो हम लोग हॉस्टल में रहते थे या जो स्कूल में रहते थे, साइकिल पर हम लोग उनको सुनने सीतामढ़ी ललित आश्रम मैदान में गए थे। उनका डील डॉल उनका भाषण सुनने का हमें मौका मिला। ऐसे वे जीरा देई के रहने वाले थे, सब लोग जानते हैं छपरा जिला में सिवान के बगल में जीरा देई है, वहीं के रहने वाले थे, और उन्होंने जो कुछ किया राष्ट्र के लिए किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। और जब उन्होंने अवकाश ग्रहण किया तो वो अपने घर जाकर नहीं रहे, वे पटना में सदाकत आश्रम में ही उन्होंने अपना जीवन बिताया। तो इन्हीं शब्दों के साथ राजेंद्र बाबू के जो बताए हुए रास्ते थे उनका हम अनुकरण करें, उनके रास्ते पर चलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी ओर से उनको हार्दिक के प्रति संवेदना भी व्यक्त करता हूँ। और
बात और खाना छूट गया हम लोग के बीच में, हम लोग के बीच में एक एक बाबू चतुर्भुज सहाय हैं अभी भी, और वे हम लोग के मित्र हैं, इस मंदिर के प्रस्थापकों में से एक वे भी हैं, और उनके सुपुत्र गोपाल बाबू जो स्थापन जो मकवन सिंह हैं बंचौरी मिडिल स्कूल में, वह सरकारी स्कूल है, मिडिल स्कूल में हेडमास्टर के पद पर आसीन है, उन्हें अभी अच्छे शिक्षण कार्य के लिए उन्हें अभी राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, सम्मानित हुए हैं, ये भी हमारे बीच में है, ये और ज़्यादा गौरव का विषय है। इन्हीं शब्दों के साथ में समाप्त करता हूँ। कैश कुलभूषण देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 134वीं जयंती हम मना रहे हैं। उनके नाम के पहले जो रत्न देश रत्न का अलंकरण लगा है वही ये साबित करता है कि वास्तव में वो देश के रत्न थे। वैसे मेधावी छात्र थे जिनके संबंध में परीक्षक ने लिखा था कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, परीक्षक से उत्तम विद्यार्थी है, परीक्षा देने वाला परीक्षक से उत्तम है। ऐसी परिस्थिति में एक ऐसे महापुरुष की जयंती आज हम मना रहे हैं जो न सिर्फ हमारे जीवन को एक दिशा देती है वरन हमें उन उच्च आदर्शों को पालन करने का संबल भी देती है जिसके लिए राजेंद्र बाबू विख्यात थे। उनके जीवन का एक ही मोटो था, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। वो हमेशा सादगी भरा जीवन जीते थे और अपना उच्च आदर्श उच्च विचार रखते थे, और यही उनका मोटो उनको राष्ट्र के सर्वोच्च सत्ता पर आसीन कर दिया, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में उनका अभिषेक हुआ और 10 साल तक वो भारत के राष्ट्रपति रहे। उस समय उन्होंने राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए अथक प्रयास किया, और उन्हीं का यह प्रयास था कि सौराष्ट्र में शिव मंदिर का जो निर्माण हुआ, जो नादई मोहम्मद गोरी ने उसको ध्वंस इसका विध्वंस कर दिया था, इसके लिए भी वो विख्यात है। लेकिन अपने सादगी भरे जीवन के कारण कुछ अपने परिवार के लिए उन्होंने नहीं किया, ये भी एक उदाहरण है। और उन्हीं का अनुकरण करते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी इन्हीं परंपरा को आगे बढ़ाया जो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। आज राजेंद्र बाबू की जयंती मनाते हुए हम उनको जो श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, तो उनके आदर्शों पर चलने का अगर हम संकल्प लेते हैं, वही उनके लिए सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित होने के बराबर है। आज जितने भी लोग यहाँ एकत्रित हैं, सबों ने हमारे कुलभूषण को श्रद्धा सुमन अर्पित किया है, इसके लिए हम सभी को धन्यवाद देते हैं। और इसी अवसर पर हमारे बीच के एक बच्चे को हम लोगों ने आज सम्मानित किया है, क्योंकि श्री गोपाल जी को जो बंचौरी उर्दू स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं, जिनको राष्ट्रपति का पुरस्कार भी मिला, इसी वर्ष राष्ट्रपति का पुरस्कार मिला है, हमको गर्व है उनको सम्मानित करने में कि हमारे बीच ऐसे बच्चे हैं, ऐसे हमारे वंशज हैं जो सफलता के शिखर को चूमने के लिए हर संभव प्रयास करते रहते हैं। राष्ट्र के एकात्मवाद जो संविधान का मूल मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, इसी मूल आधार के आधार पर भारत का संविधान सृजित हुआ। और उस संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के निधन के बाद हमारे चित्रांश कुलभूषण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष बनाए गए। अम्बेडकर जी तो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, लेकिन ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उनकी विद्वता के संबंध में कुछ कहना सूर्य को दिया दीप दिखाने जैसा है, उस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता है। अपने अवकाश ग्रहण करने के बाद भी ये
उन्हें सरकार की ओर से कोई पेंशन नहीं दिया गया, फिर भी उनको इसकी कोई परवाह नहीं थी। और जब चाइना से लड़ाई हो रही थी तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आके उनके पैर के पीछे सामने आके रोने लगे। तब उन्होंने गांधी मैदान में अपना भाषण दिया और तब चाइना ने कहा कि 70 वर्ष के बूढ़े की हड्डी में जब इतना जोश है तो भारत के नौजवानों में कितना जोश होगा। लेकिन नेहरू जी की गलती के कारण हम अक्साई चीन गंवा बैठे, जिसकी अपेक्षा तत्कालीन सरकार से नहीं थी। फिर भी राजेंद्र बाबू ने देश की सीमाओं को अवकाश ग्रहण करने के बाद भी अक्षुण रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज हम उनको सत्सत नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हम संकल्प लेते हैं कि उनके आदर्शों पर चलकर हम राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग देंगे। धन्यवाद। और हम अपने सचिव को कुमार अभिमन्यु श्रीवास्तव को अखिल भारतीय कुटुंब सेवा समिति के सचिव हैं, उनको ऐसे आयोजनों के लिए हम साधुवाद देते हैं और हमसे अपेक्षा रखते हैं कि भविष्य में ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित कर अखिल भारतीय चित्रगुप्त सेवा समिति के उत्तरोत्तर विकास के लिए संकल्पित रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे समाज के देश रत्न हैं थे, उनके 134वीं जयंती पर यहाँ इकट्ठा हुए। ये हमारे अखिल भारतीय चित्रगुप्त सेवा समिति के माननीय सचिव महोदय का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का आयोजित किया है। इस आयोजन के अवसर पर मैं सबसे ज़्यादा बहुत अधिक अभिभूत हूँ कि हमारे सभी गार्जियन द्वारा जो हमारे समाज से हैं मुझे सम्मानित किया गया है। वो सम्मानित नहीं, ये हमें आशीर्वाद उनके द्वारा दिया गया है कि मैं इसके लिए मैं माननीय सचिव महोदय माननीय अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ। ये बताइए कि आपको जो सम्मानित किया गया राष्ट्रपति महोदय से महामहिम, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे मुख्य रूप से कारण मैं तो नहीं समझता हूँ, मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा था। इसी दौरान ये एक प्रोसेस है, इस बार माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा कुछ प्रोसेस में चेंज किया गया। हम सभी अवगत हैं कि हम लोग पॉलिटिकली उतना अप्रोच हम लोग का नहीं है, लेकिन इस बार जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा कुछ प्रोसेस चेंज किया गया, ऑनलाइन आवेदन मंगाया गया और निष्पक्ष भाव से सिलेक्शन किया गया, इसमें मैं कभी भी ये सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह का पुरस्कार मुझे प्राप्त हो पाएगा। यहाँ से सिलेक्शन के उपरांत बिहार राज्य से सिलेक्शन किया गया, फिर वहाँ इंटरव्यू हुआ और मात्र पूरे देश में 45 शिक्षकों का चयन किया गया, जिसके लिए मैं कर रहा था
उसी को वहाँ देखा गया। कोई हाई फाई व्यवस्था नहीं थी। शिक्षकों के जो शिक्षकों द्वारा जो कार्य किया जा रहा था उसके आधार पर उसका चयन किया गया। मेरा नाम कुमार अभिमन्यु श्रीवास्तव है। मैं पेशा से अधिवक्ता हूँ सीतामढ़ी व्यवहार न्यायालय में और अखिल भारतीय चित्रगुप्त सेवा समिति सीतामढ़ी जिला का सचिव हूँ। मेरा नाम कुमार अभिमन्यु श्रीवास्तव है। आज क्या करते हुए? हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आज के दिन हमारे पूर्व देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जयंती समारोह आज बड़े धूमधाम से मनाया गया है। इस अवसर पर कलापुरी के चतुर्भुज सहाय जी हैं, उनका सुपुत्र जो है श्री गोपाल जी सहाय टीचर हैं, उनको वर्तमान में महामहिम देश के राष्ट्रपति जी सम्मानित किए हैं, उनको पुरस्कृत किए हैं और बिहार में भी राज्य स्तर पर उनको सम्मानित किया गया है। जिला स्तर पर प्रशासन के द्वारा भी सम्मानित किए गए हैं और हम लोग चित्रगुप्त सेवा समिति के द्वारा आज उनको बुला करके अपने समाज के द्वारा आज जयंती के शुभ अवसर पर सम्मानित किए हैं और हमारे समाज और देश का गौरव बढ़ाए हैं सहाय जी, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। खबर टीवी चैनल है, अब आपको हम देख रहे हैं टैलेंट स्कूल, जहां पर खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित किया गया है और इस अवसर पर टैलेंट स्कूल की एक पत्रिका अभिनांजलि का विमोचन किया गया है। आइए हम देखते हैं। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों दृश्यों का अवलोकन करना।
दो बेटा पकड़ो। आगे भी तो बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आम उद्देश्य हमें जो है हमको आने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो हमारे बच्चे और बच्चियों हैं, हम आप ही के तरह छात्र थे। हम जिला स्कूल के प्रोडक्ट रहे दरभंगा में, उसके बाद चले गए पटना यूनिवर्सिटी के लिए। बहुत उत्सुकता रहती बच्चों, जैसे कि मैं पसंद हमने झांसी से बात किया, इनके संघ के सदस्य से बात की, उस समय स्कूल में बंद हो रहे थे, बंद चल रहा था हमारा, सरकारी स्कूल बंद थे। तो जिला पदाधिकारी की चिंता थी कि नहीं एक आश्रम का घर आप भेजें। तो झांसी से मैंने जो बात की, उन्होंने तत्क्षण स्वीकृति दिया और यहाँ का हॉल उपलब्ध कराया और सभी के तरफ से जो हो सका हम लोगों ने बच्चे को एकत्र कराने का कोशिश किया। प्रखंड के अवसर से, बहुत प्रखंड के अवसर से भी बच्चे आए थे, कुछ सरकारी स्कूल के भी बच्चे आए थे। तो कार्यक्रम भी हो गया और हमें उम्मीद से ज़्यादा मिला। हमने उम्मीद नहीं किया था कि नंबर वन पर रहेंगे, उम्मीद था कि कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। जिला पदाधिकारी महोदय की जो सोच है उससे आशा थी कि कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन नंबर वन पर है कि हमारे लिए और जिला के लिए प्रतिष्ठा दिलाई गई। जिले को, प्रतिष्ठान को, हम सभी को, उनके माता पिता जितना गौरवान्वित हो रहे होंगे उससे कम हम सभी ये सद्भावना टीवी चैनल है। आज किशोरी महोत्सव के अवसर पर आयोजित नेहरू भवन में कार्यक्रम को हम दिखा रहे हैं, देखते हैं। जहां पर जन क्रांति दल के द्वारा एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, आइए देखते हैं इस कार्यक्रम को। नमस्कार। सूखाग्रस्त घोषित करवाने की मांग को लेकर गरीब जन क्रांति पार्टी की ओर से कर रहे हैं। बगल का जिला है मुजफ्फरपुर का और इसके बगल का प्रखंड है मीनापुर, उसको सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। पता नहीं कौन सा पैमाना है कि मीनापुर में बारिश नहीं हुई और रोहिणी सैदपुर में कौन सा मूसलाधार बारिश हो गया जिसके आधार से रोहिणी सैदपुर को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया। आज हम लोग आक्रोश मार्च के माध्यम से डीओ महोदय को, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे और 10 दिन का हम लोग समय दे रहे हैं। अगर 10 दिन के भीतर अगर रोहिणी सैदपुर प्रखंड को सूखाग्रस्त नहीं घोषित किया गया तो गरीब जन क्रांति पार्टी सड़क पर उतर कर आंदोलन करेगी। आपका परिचय? दिनबंधु क्रांतिकारी राष्ट्रीय प्रवक्ता गरीब जन क्रांति। सर आपका आने वाला इलेक्शन में कहाँ कहाँ आप लोग लड़ रहे हैं चुनाव? देखिए अभी फिलहाल तो हम लोग राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं और इसके अलावा क्या है कि बिहार के सारे सीटों पर हम लोग लोकसभा चुनाव, यानी कि 40 सीटों पर लोकसभा चुनाव और जो विधानसभा चुनाव आएगा उसमें फाइट करेंगे। लोकसभा चुनाव में हम लोग लगभग 150 सीटों पर फाइट करेंगे। सीतामढ़ी में किसको आप दे रहे हैं? अभी ये कहना अभी मुश्किल है, अभी नहीं कहेंगे। अभी हम लोग लगातार संगठन विस्तार का काम कर रहे हैं, जब समय आएगा तो बता देंगे। दिनबंधु सिंह, दिनबंधु क्रांतिकारी के प्रवक्ता। पंकज कुमार, जिला प्रभारी। बोलिए बोलिए क्या? हम लोगों ने गरीब जन क्रांति पार्टी के माध्यम से हम लोग यहाँ से लेके और ब्लॉक तक जाएंगे और मतलब जो भी है मतलब उन्हें दिखाएंगे। मैं गरीब जन क्रांति पार्टी से जिला प्रवक्ता मोहम्मद अली अंसारी जी, मैं आज एक ज्ञापन देने जा रहा हूँ डीओ महोदय को रोहिणी सैदपुर प्रखंड सूखाग्रस्त घोषित करने के संदर्भ में। हम लोग ये लेके जाएंगे यहाँ से डीओ महोदय को ज्ञापन देंगे। अगर 10 दिन का समय दिया जाएगा, अगर 10 दिन में सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया जाएगा तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। कब आंदोलन कीजिएगा? 10 दिन का आज को ज्ञापन देंगे विजय महोदय को, अगर 10 दिन का टाइम दिया जाएगा इनको कि सूखाग्रस्त घोषित करें, अगर नहीं करेंगे तो हम एक बड़ा आंदोलन के लेके आएंगे
भूमिचंद्र को सुखाग्रस्त करने के लिए। आगामी कार्यक्रम तो अभी हम लोग निरंतर जो है जो क्षेत्रीय मुद्दा है अस्सी प्रतिशत का संभव उसको उठा रहे हैं और लगातार हमारा बिहार में जो है व्यवस्था परिवर्तन यात्रा चल रहा है, मतलब सत्ता नहीं व्यवस्था बन ठीक है, जिसमें हम लोग बेसिक शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे फोकस कर रहे हैं और लगातार अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इससे कल आपको हमारा औराई में औराई प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित करवाने के लिए विशाल धरना प्रदर्शन है। तो निरंतर हम लोग किसान का मुद्दा हो, युवा का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, उसको लेकर के जागरूकता अभियान चला रहे हैं। टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चल रहे हैं सीतामढ़ी, जहां पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम में। नमस्ते। का काम करेगा उसी राजनीतिक पार्टी को बिहार के 7% तेली समाज वोट करने का काम करेंगे। रणविजय साहू, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार दैनिक साहू। नमस्कार, ये सद्भावना टीवी चैनल है। आज हमारे बीच में प्रख्यात समाज सेवी विनोद कुमार सिंह उपस्थित है और आइए हम उनका वक्तव्य सुनते हैं। माँ गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात सद्गमत स्वयं श्री विवे नमः उमंगल मूर्ति मार्ग नंदन सकल मंगल मुनि कंदन जय सियाराम जय जय माँ सदरमंगल गुरु चंद के पास ही सदरमंगल सर्वकारी सर्व्यापक अभिधानी भगवान श्री हनुमान चंद के पास ही के द्वारा सर्वतिकत के द्वारा सदमंगल पूजा जप योग धर्म का सदमंगल अधिकतम ज्योतिर्मय सक्षम संभव शरणागति क्या गंगति लब्धि कहा है। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा गुरु साक्षात सद्गमत स्वयं श्री गुरु नमः ओम मंगल मूर्ति मार्ग नंदन सकल मंगल मुनि कंदन जय सियाराम जय जय नमः सदमंगल गुरुचंद के पासी सदमंगल सर्वकालिक सर्व्यापक अभिलाषी भगवान श्री हनुमान चंद्र पासिस के द्वारा संव्यक्तिगत के द्वारा सदमंगल पूजा जप योग धर्म का सदमंगल अधिकतम ज्योतिर्मय सक्षम संभव शरणागति सदमंगल विश्वास संस्कार सत्संग को शास्त्र बोध धर्म कार्य में अभ्यास क्रम में सदमंगल के नीति हेतु सर्वर्तमान पृथ्वी के लिए सदमंगल माथे धमधाम के लिए सदमंगल उत्पत्ति के उपरांत उपलब्ध है सर्वधर्म क्षेत्र मंगल बंद मर्यादा स्रोत के लिए प्रभारित है सर्वर्तमान पृथ्वी के लिए सदमंगल माथे धमधाम के नीति हेतु मातृभूमि संवैधानिक मातृ संवैधानिक के नीति हेतु सदमंगल संवैधानिक संचालन शासन प्रणाली चरित्र प्रकृति प्रवता विषयों के परामर्श से प्रजा के द्वारा प्रजा हेतु क्रमश कर्तव्य कर्म प्रेरणा प्रवाह अंशदान कृत्रिम प्रसाद तांत्रिक सुख संपदा परस्पर आदान प्रदान लक्ष्य थे सदमंगल सतत बोध धर्म के नीति हेतु अपेक्षित है सदमंगल केंद्र के विपरीत क्रिया बोध धर्म क्रियाशीलता क्रम विघटन होता है सदमंगल क्रम में मातृभूमि संवैधानिक केंद्रित आधारित हेतु माध्यम स्रोत अखंडनीय स्वीकार योग्य होता है मातृ संविधान सदमंगल संविधान सदमंगल केंद्रित आधारित आंतरिक स्रोत संपदा मातृ संवैधानिक सक्षम समूह क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता द्विपक्षीय लाभा प्रसंगी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के मातृ संवैधानिक गौरव स्वाभिमान लक्षित क्रम में क्रमशः कर्तव्य कारण प्रेरणा प्रवाह अंशदानिक कृत्रिम पुरुषार्थ आंतरिक सुख संपदा परस्पर आदान प्रदान लक्षित कृत्रिम पुरुषार्थ विशेषज्ञों के परामर्श से प्रजा के द्वारा प्रजा हेतु वसुधा कुटुंबकम केवल शांति हिंसक रक्षात्मक हितकारी लक्षित छोटे बड़े संवैधानिक मापदंड के गौरव स्वाभिमान लक्षित के नीति हेतु सदमंगल के नीति आधारित है सदमंगल संवैधानिक संवैधानिक परिधि के नीति सदमंगल भूतल वायुमंडल भूगर्भ संपदा सदमंगल अविनाशी अकूत स्वतः दैनिक दैनिक उर्वरा शक्ति युक्त सदमंगल पुण्य उपयोग संभव नहीं सदमंगल पुण्य उपयोग लक्षित सदमंगल क्रम में संवैधानिक के नीति आधारित है सदमंगल धार्मिक शैक्षणिक संवैधानिक प्राकृतिक सांस्कृतिक कलात्मक ऐतिहासिक तकनीकी वैज्ञानिक वाणी संपदा सदमंगल क्रम में सदमंगल स्नातन संपदा सदपरिवारिक हेतु व्यक्तिगत हेतु सामिक विशुद्ध क्रियाशीलता के नीति हेतु सदगुरु मंत्र गुरु द्वारा विद्या के सदमंगल धर्मशास्त्र ब्रह्म के साक्ष के प्रमाणिक सदमंगल क्रम में धर्मशास्त्र ब्रह्म सदमंगल अधिकतम ज्योति में सक्षम शरणा भक्तों के साक्ष के प्रमाणिक बोध धर्म हेतु युग्म पुरोहित ब्रह्मचर्य शंकराचार्य के नेतृत्व में हमारे धर्मगर विश्वास संस्कार सत्संग पुरुषार्थ के नीति हेतु
सोनमंगल क्रमिक शैक्षणिक विद्यालय विश्वविद्यालय महाविद्यालय सोनमंगल शैक्षणिक विद्या उपार्जन सत्य महात्म चेष्टा के निधि हेतु सोनमंगल लक्षित क्रम में सदगुरु मंच गुरु द्वारा विद्या के निमित्त अपने कर्तव्य का निर्वाह सोनमंगल भूतल वैंडल भूगर्भ संपदा सोनमंगल धार्मिक शैक्षणिक संवैधानिक प्राकृतिक सांस्कृतिक कलात्मक ऐतिहासिक तकनीकी वैज्ञानिक वाणिज्य संपदा सोनमंगल स्नातन संपदा परिवार के व्यक्तिगत सामूहिक विशुद्ध हेतु श्रम विद्या उपासन उद्यमिता सोनमंगल बोध धारण करते हैं। आप जिज्ञासु होते हैं निर्वाह क्रम अधिकतम ज्योतिर्मय सक्षम परिवार कृष्णों में होते हैं क्रम युग युग वंदित गुरु मंत्र गुरु द्वारा विद्या विद्या मिला धर्म सत्य उद्घोषित है। समधर्म के कारण सृष्टि खंडित समूह में समुद्र पांच सृष्टि खंडित समूह में समधर्म समधर्म खंडित करता ने सहजता से दर्शन देता ने असुर मंगल विश्वास संस्कार सदन पुरुषार्थ प्रभाव सहजता से दर्शन देता ने सोनम तीन सुंदर पांच प्रकार की उत्पत्ति को प्राप्त समझी एक दैनिक दिवस हेतु स्वयं के कारण समधर्म खंडित करेगा कौन। क्रम सर्वमंगल विशेषज्ञों के परामर्श से प्रजा के द्वारा प्रजा हेतु यह प्रजा प्रथम अनुयायी होता है क्रम में नागरिक होता था। सर्वमंगल प्रथम सर्वधर्म विश्वास संस्कार शासन कुशास मंगल बोध धारण क्षमता विकसित स्थिर कर कुशास कष्टमय जीवन के निवारण संशय खंडन कुबुद्धि विभेद हताशा निराशा दुख रोग सुख विनाशक निवारण सर्वमंगल क्रम में शैक्षणिक विद्यालय विश्वविद्यालय महाविद्यालय के लिए सर्वमंगल विद्या उपार्जन सत्य महात्म चेष्टा लक्षित सम्बन्धित समय से अपने गुरु मंत्र गुरु द्वारा विद्या के अधिकृत विशेषज्ञ क्रम गुरु द्वारा विद्या विद्या मिला परस्पर सर्वमंगल क्रम मापी संवैधानिक केंद्र आधारित आप अनुयायी नर विशिष्ट विशिष्ट पद एक छत्र होकर संवैधानिक केंद्र आधारित सर्वमंगल भूतल बांडल भूगर्भ सर्वमंगल केंद्र आधारित सर्वमंगल धार्मिक शैक्षिक संवैधानिक प्राकृतिक सांस्कृतिक कलात्मक ऐतिहासिक तकनीकी वैज्ञानिक बने संपदा हेतु सर्वमंगल सनातन पारिवारिक व्यक्तिगत समय विशुद्ध हेतु सर्वमंगल केंद्र आधारित सतत प्रगतिशील अत्याधिक बुद्धि में प्रतिभा प्रशिक्षण कलात्मक तकनीक उपकरण और सुनिश्चित वैज्ञानिक बने योग्यता बोध धारण हेतु केवल शांति हितकारी लक्षित सुखद जीवन यापन लक्षित सर्वोत्तम संभव के हेतु क्रमश कर्तव्य कर्मप्रेरणा प्रभाव अनुसंधान के पोषा शांतिक सुख संपदा परस्पर आदान प्रदान लक्षित के लिए हेतु सर्वमंगल क्रम भूतल बंदर भूगर के अविनाशी अकूत सतत दैनिक दैनिक उर्वरा शक्ति सर्वमंगल संपदा के लिए हेतु संवैधानिक संपदा प्रवाह संरक्षण बोध धारण क्रियाशीलता क्रियान्वयन तक सत्यापित संग्रहित सर्वमंगल लक्षित श्रम विद्या उपासन उद्यमिता क्रम दैनिक दैनिक रख रखाव मन के विचार को जानने वाले मशीन के समक्ष समस्त क्रियाशीलता क्रिया सत्यापित संग्रहित के लिए हेतु क्रम विशेषज्ञों के परामर्श समस्त आपाधापी रहित के लिए हेतु क्रम में मापी समय नियंत्रण निगरानी में सर्वमंगल सतत संवैधानिक संवैधानिक क्रमबद्ध क्रमबद्ध बोध धारण शिक्षित सर्वमंगल केंद्रित के विपरीत विघटन समस्या समस्या कुप्रवाह बोध क्रमबद्ध समस्या क्रमबद्ध कुप्रवाह बोध क्रमबद्ध सर्वमंगल संवैधानिक समाधान सर्वमंगल संवैधानिक समाधान संवैधानिक पुरुषार्थ में था सर्वमंगल संवैधानिक क्रम में होगा है सर्वमंगल संवैधानिक था सर्वमंगल संवैधानिक है संवैधानिक पुरुषार्थ में सतत है लक्षित कर्म किए जा फल की चिंता मत कर इंसान स्वधर्म क्षेत्र मंगल वंदित मर्यादा स्रोत के निर्धारित स्वधर्म शास्त्र ब्रह्म की अखंड धर्म सत्य स्वयं बुद्ध वचन बद्ध श्रवण पात्र स्वर्ण शास्त्र ब्रह्म के स्वयं के आनंद हेतु की धर्म से मानव नारी नर के प्रधानता में आप विश्व के विशेषज्ञ के नेतृत्व में स्वधर्म मंगल संवैधानिक पुरुषार्थ हेतु पुरुषार्थ में स्वर्णमंगल सर्वोत्तम संभव संवैधानिक समाधान सर्वोत्तम संभव इस क्रियाशीलता क्रम से क्रियाशील समाधान हेतु पूरे पृथ्वी के लिए पांच धनधाम के लिए मातृभूमि संवैधानिक संवैधानिक प्रति के लिए आप समस्त सर्वमंगल भूतल मंगल भगवान सर्वमंगल धार्मिक शैक्षिक संवैधानिक प्राकृतिक सांस्कृतिक कलात्मक ऐतिहासिक तकनीकी वैज्ञानिक यानी संपदा सर्वमंगल स्नातन पारिवारिक व्यक्तिगत समय की शुद्ध सर्वमंगल अत्याधुनिक प्रगतिशील बुद्धि में प्रतिभा प्रशिक्षण कलात्मक तकनीक उपकरण संदिग्ध वैज्ञानिक यानी योग्यता तकनीक विशेषज्ञों के परामर्श क्रम में श्रम विद्या उत्पादन उद्यमिता संपदा के विशेषज्ञ मातृभूमि संवैधानिक भारतीय संविधान प्रजातंत्र धर्मपेक्ष लक्षित गणराज्य कल्याणकारी आकृति सहित संवैधानिक पुरुषार्थ हेतु सर्वोत्तम संभव अन्यथा नहीं होगा सर्वमंगल क्रम में आप संवैधानिक पुरुषार्थ हेतु संवैधानिक स्रोत के लिए सर्वमंगल सत्य ज्ञानेश्वर हेतु अक्षरशः समर्थ होने खंडित करने खंडित अवस्था क्रम में व्यक्तिगत के द्वारा सूली के मृत्यु के वचनबद्ध आप आमंत्रित किए जाते हैं सर्वमंगल क्षेत्र विशेष चर्चा हेतु सर्वमंगल संवैधानिक संपदा प्रवाह संरक्षण बोध धर्म क्रियाशीलता क्रिया सत्यापित संग्रहित सर्वोत्तम संभव मात्र समय नियंत्रण निगरानी में सरकारी निजी देश में क्रियाशील विदेशी देश के विदेशों में क्रियाशील अनुयायी नागरिकों के हेतु क्रम में वास्तविक स्वामित्व गांव के गांव शहर के वार्ड अनुयायी नागरिकों हेतु संवैधानिक संपदा प्रवाह संरक्षण बोध धर्म क्रियाशीलता क्रिया सत्यापित संग्रहित
सतत दैनिक दैनिक सतत मातृभाषा में प्रवाहित, सर्वोत्तम मातृभाषा बोध धर्म होने तक सर्वोत्तम क्षेत्रीय भाषा में प्रवाहित, संवैधानिक संवैधानिक स्वर्ण विश्वास संस्कार सत्संग पुरुषा मंगल बोध धर्म क्षमता भी क्षेत्र से कष्ट में जीवन के निवारण संशय खंडन कुबुधि विभेद हताशा निराशा दुख रोग सुख विनाशक निवारण संमूल समय लक्षित सतत उपलब्ध जनसंख्या हेतु लक्षित सतत पारिवारिक सहमति से पति पत्नी दो संतान बोध धारण के हेतु लक्षित सतत दुरुपयोग निग्रह लक्षित सतत लागत कम लाभ प्रद ज्यादा प्रतिष्ठा जनक हेतु सतत सस्ता सस्ता महंगा महंगा प्रकृति में सतत गांव ग्रामीण स्वराज भविष्य में गांव ग्रामीण स्वराज के लिए हेतु सदरमंगल पूर्णतम पूर्णतम सनातन परंपरागत अत्याधिक व्यवसायिक परंपरागत सनातन सनातन परंपरागत अत्याधिक बुद्धि वे प्रतिभा प्रशिक्षण कलात्मक तकनीक कर मशीनरी वैज्ञानिक बन योग्यता तकनीक विषयों के परामर्श से सदरमंगल हेतु पूरे भूमि के पूरे वर्ष के किंच उपयोग मिश्रित उपयोग सदरमंगल सौर बिजली के द्वारा पटौनी सदमंगल हेतु क्रम में बागवानी कृषि प्राकृतिक बीज जैविक खाद जैविक कीटनाशक दूध संपदा पूर्णतम संवर्धन सूक्ष्म प्रवाह संवर्धन सूक्ष्म हेतु नागरिकों के शिक्षित मत्स्य प्रवृत्ति सिंचाई क्रम में कुटीर मध्यम उद्योग भविष्य में ग्रामीणों हेतु विकसित इससे करने हेतु सदरमंगल लक्षित जैसे बारहमासी ग्रामीण खाद्यान्न कुटीर उद्योग हेतु मीठा चीनी के कुटीर मध्यम उद्योग हेतु जैसे सिंचाई सौर बिजली के द्वारा पटौनी हेतु जैसे समस्त प्रकार के ग्रामीण उत्पाद के एकीकृत भंडारण शीत भंडारण के लिए हेतु जैसे सदरमंगल हेतु क्रय विक्रय वितरण गांव के लिए हेतु क्रम में सदरमंगल लक्षित प्राकृतिक संतुलित बोध धर्म हेतु संभूतल बैंगल भूगर्भ संपदा के लिए जिसका खंडन संभव नहीं वर्तमान पृथ्वी उपलब्ध समस्त स्रोत के द्वारा खंडन संभव नहीं वास्तविक व्यवहारिक क्रियाशीलता के में जिसे सरलतम होगा सदमंगल प्राकृतिक संतुलित बोध धर्म प्राकृतिक दृष्टि प्राकृतिक संतुलन भूमिगत जलस्तर समान जलित प्रभाव सदमंगल लक्षित कर्म शास्त्र में जो निग्रह होगा अतिवृष्टि अनावृष्टि गर्मी बरसात जाड़ा रासायनिक वर्षा की संभावना क्रम सूखते हुए बाढ़ रणपयी सूखते हुए धार्मिक ऐतिहासिक तालाब नदियां क्रम में मानिए सभी सदमंगल पुरानी ऐतिहासिक सामान्य पहाड़ी नदियों को जोड़कर बाघ रणपयी में धार्मिक ऐतिहासिक तालाब नदियों में जल को लाने के कर्म पुरुषार्थ सरकारी निजी चापाकल नलकूप कुआं बावरिया के पूर्णतम जल युक्त करने के कर्म पुरुषार्थ संतुलित बाढ़ समस्या के सदमंगल स्थायी समाधान बड़े बड़े बांधों के दोनों तटबंधों के अत्याधिक जोड़धार कराकर सौंदर्य दल के रख रखाव एक बड़े बांध से 200-300 किलोमीटर तक विस्तारित 200-300 छोटे छोटे नहर क्रम बाढ़ समस्या का स्थायी समाधान क्रम जलित अर्थात जल के समुद्री जल के उपयोग हेतु स्वयं छोटे छोटे पंप के द्वारा स्वर्ण बिजली के द्वारा संचालित कराकर क्रम आप अपने भूतर बंदर भूगर्भ के स्थापित अवस्थित अक्षय ऊर्जा के द्वारा पूर्णतम बिजली रसोई धन पेट्रोलियम पदार्थ क्षेत्र शत प्रतिशत आत्मनिर्भरता अथा समृद्ध क्षेत्र सुखद जीवन क्रम में पूर्णतम स्वनिधन क्रम में सदरमंगल हेतु विदेशी मुद्रा की आवश्यकता खत्म मातृशील मुद्रा के भाव क्षय निग्रहण लक्षित सदरमंगल अपने कर्तव्य का निर्वाह क्रम में सर्वोत्तम संभव के नीति हेतु मातृशील संवैधानिक कर्म पुरुषार्थ के नीति हेतु सदरमंगल समुच्छेद के पूर्णतम आत्मनिर्भरता सर्वोत्तम संभव के नीति हेतु समुच्छेद के सत्य ज्ञान मिशन हेतु आपको आमंत्रित करते हैं क्रम में पुराने रोजगार सरकारी निजी देश में क्रियाशील विदेशी देश के विदेशों में क्रियाशील अनुयायी नागरिकों हेतु मातृत्व गर्भ छह मासिक दिवस हेतु अवकाश क्रम में पति पत्नी के एक संग समित करने के कारण पुरुषार्थ क्रम में लक्षित है आप भी सदरमंगल 4 वर्ष से 20 वर्ष तक विद्या उपार्जन सत्य महाप्रचेष्टा 14 वर्ष से 20 वर्ष तक विद्या उपार्जन के संग आय उपार्जन के स्रोत गरीब गरीब केंद्रीय सरकारी देश में क्रियाशील विदेशी केंद्रीय सरकारी देश के विदेशों में क्रियाशील अनुयायी नागरिकों हेतु क्रम में हस्तक्षेप पूर्ण वेतन सुविधा भविष्य निधि आर्थिक लेन देन समृद्ध लोक सेवा आयोग के द्वारा नंदन से समय समय से सेवा का अवधि तक हेतु सुरक्षित करने के कारण पुरुषार्थ लक्षित सर्वोत्तम संभव क्रम में 70 करोड़ रोजगार पूर्णतम नया आपके भूतल बैंगल भूगर्भ के नीति हेतु बोध धर्म पूर्णतम आत्मनिर्भरता के क्रम में मापी संवैधानिक भूतल बैंगल भूगर्भ के सरकारी संपदा भविष्य में निजीकरण नहीं क्रम में केंद्रीय प्रांतीय सरकारी भाग्य संपदा भविष्य में निजीकरण नहीं के नीति हेतु लक्षित क्रम प्रजातंत्र के सत्य महा धनपक्ष के सत्य महा गणराज्य कल्याणकारी के सत्य महा आंतरिक स्रोत संपदा मातृ सक्षम समूह क्षेत्र आत्मनिर्भरता लक्षित केंद्रीय प्रधान कार्यालय जैसे संधार्मिक संपदा विद्यालय विश्वविद्यालय महाविद्यालय प्रतिष्ठान कुटीर मध्यम उद्योग बड़े उद्योग भविष्य में कुटीर मध्यम उद्योग विकसित स्थिर करने हेतु प्रतिष्ठान दुकान जनसभा के माध्यम लेखन संगोष्ठी श्रवण दृश्यवन व्यवसाय के नेट चरण वासंत के स्रोत सदमंगल सत्य पत्रकारिता वीडियो ब्रिज चलचित्र विज्ञापन के नीति हेतु क्रम समस्त वस्तुओं की आपूर्ति के नीति हेतु नगर पालिका नगर निगम के नीति हेतु जैसे
शारीरिक रेल बसेरी सतत संस्थागत समय क्षेत्र के सब निजी चिकित्सालय के निधि हेतु क्रम में बैंकिंग के निधि हेतु क्रम में मान्य सभी सरकारी बैंकिंग के विस्तार को निधि हेतु निजी बैंकिंग के विस्तार में निजी साहूकारों के संग ऊंचे ब्याज दर के लिए सरकारी बैंकिंग के होते यह दुर्भाग्य है प्रति समुद्र क्षेत्र निवारण क्रम में पर्यटन पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की ओर विस्तार के निधि हेतु पुराने के निमित्त अत्याधिक जोड़धार पुराने के निमित्त नया निर्माण नहीं क्रम में मानिए सभी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा है दुर्भाग्य आप केवल क्रिकेट ठंडा प्रदेश आदिवासी क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र दियारा कटाव के क्षेत्र मन के निकट के क्षेत्र के निमित्त हेतु क्रम में मानिए सभी समग्र क्रम में बिजली रसोई मन पेट्रोलियम पदार्थ क्षेत्र पूर्णतम आत्मनिर्भरता क्रम में प्राकृतिक संतुलित बोध धारण हेतु सर्वोत्तम स्वभाव क्रम में मातृ संवैधानिक संपदा प्रवाह संरक्षण बोध धारण क्रियाशीलता क्रिया सत्यापित संग्रहित है सर मातृ संवैधानिक निमित्त हेतु सर मगर क्रम में मान्य सभी द्विपक्षीय लाभार्थ संधि क्रम में अंतर्राष्ट्रीय स्वयं संगठन के संग सर्वोत्तम संभव आपके कार्यक्रम में जीवन यापन हेतु सर्वोत्तम संभव हेतु क्रमश कर्तव्य कर्म प्रेरणा प्रवाह अंशदान कुशा प्रांतिक स्रोत संपदा परस्पर आदान प्रदान लक्षित समय संपदा प्रवाह संक्षम धन क्रियाशीलता क्रिया सत्ता की संग्रहित के लिए हेतु क्रम में मान्य सभी संवर्तमान सीमा रेखा मातृ संवैधानिक प्रति को स्वीकारियों के पड़ोसी संवैधानिक मातृ को स्वीकारियों के सद्भावना टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चल रहे हैं छठ के सफाई का दृश्य हम आपको दिखाएंगे और साथ साथ हम आपको ले चलेंगे मधुबन बसहा, साथ साथ हम ले चलेंगे धनगौर जहाँ पर सफाई भी हो रहा है और मधुबन बसहा भी चलेंगे जहाँ पर छठ पूजा हो रही है, डुमरा ले चलेंगे, सीतामढ़ी ले चलेंगे। आइए देखते हैं हम छठ की ढेर सारी छाछ। टीवी चैनल है, आज हम आपको ले चल रहे हैं अम्बेडकर टावर जहाँ पर मदरसा टीचरों का एक कार्यक्रम हो रहा है, धरना हो रहा है। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम को। इस मांग को लेकर धरना में बैठे मैं अशरफ अली महासचिव मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सीतामढ़ी। जिले के प्रशिक्षित अनुगामित मदरसा कर्मियों की लंबित मांगों को लेकर आगामी 24 नवंबर 2018 से गर्दनी बाग पटना में धरने का आयोजन किया गया है। इससे पूर्व सरकार को सूचना करने के लिए देने के लिए मैं जिलाधिकारी सीतामढ़ी के माध्यम से उनको सूचना देना चाहता हूँ कि मैं अपनी मांग
पति का नाम श्री देवेंद्र मंडल और बगल में कौन बैठे हुए हैं? दुकान हाँ, पति के नाम घर कहाँ है? थाना और अभी धांगर मदनपुर के। आप? मां नाम चांदनी देवी। जी बोलिए। पति श्री रमी मंडल। हाँ, घर? घर धांगर। ये बताइए कि आप क्यों बैठी हुई हैं? सर बैठे हैं इसीलिए जो जमीन लिए और घर नहीं है, जमीन नहीं है, 3 साल से इसमें झेल रहे हैं। कागज पुटा बहुत जगह चला गया लेकिन कुछ नहीं। है सुनियो हमर विपतिया, माँ हम को ना रहबै रे। मैया है सुनियो हमर विपतिया, माँ हम को ना रहबै रे। को ना रहबै रे मैया, को ना रहबै रे। मैया है सुनियो हमर विपतिया, माँ हम को ना रहबै हे। निर्धन ज्ञान बनेलो,
ककरा कहबै हे मैया हे सुनियो हमर विपतिया माँ हम ककरा कहबै हे Yeah.